ये रहा, जस्ट एक मिनट, तो ये अपना सेवेंथ में वाला बैच ना? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है भाई, तो यार सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें जो पढ़ रहे थे वो कंप्लीट करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ टर्म्स होती हैं विच यू शुड बी नोइंग, ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो यार देखो, तुम लोगों ने टेंथ क्लास में पढ़ा है रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, ये सब चीजें तुम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। सही है, हाँ क्यों? इनके नाम सुने होंगे, ये क्या होती है वो मैं बता देता हूं अभी, ये चीजें क्या होती हैं, आई विल टेल यू गाइस दैट, बट ये नाम तो सुने होंगे सब लोगों ने, हाँ कि ना? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट हम एक ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जहां पे सारी की सारी इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करती हैं। ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट एंड इमेज इज द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट वेयर सब लोग माइक्स म्यूट कर लेंगे। And image is the point where reflected rays intersect. ठीक है, ये दोनों की definition लिख दी है। अब देखो, अगर एक्चुअल रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऑब्जेक्ट या फिर इमेज को रियल बोलेंगे। अगर रेज का एक्सटेंशन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको वर्चुअल बोलेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, मान लो यहां पे एक इंसिडेंट रे इधर जा रही है, एक इंसिडेंट रे इधर जा रही है, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम देखें यहां पे है, ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक्चुअल रेज का इंटरसेक्शन है, तो इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। बट अगर मान लो ऐसा कुछ होता कि लेट्स से इंसिडेंट रेज ऐसे कुछ तो आ रही है, ऐसे कुछ तो आ रही है, तो पीछे कहीं पर जहां से ये आ रही है वहां पर तो इनका इंटरसेक्शन नहीं है। इनको एक्सटेंड अगर हम करेंगे दोनों रेज को, तो यहां पर इनका एक पॉइंट है जहां पर ये मीट करती हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, बट एक्चुअल में रे वहां पर नहीं जा रही, तो इसको एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहां पर रियलिटी में अगर तुम्हारी रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसको रियल ऑब्जेक्ट बोल देना। योर इंसिडेंट रेज दे आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, तो इसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बट अगर मान लो इंसिडेंट रेज रियलिटी में कहीं पीछे इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, बट इंस्टेड अगर इनका एक्सटेंशन हम बनाए और वो एक्सटेंशन वाला पार्ट कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल देंगे। समझ में आ रहा है सब लोगों को? बट सर, तो रेज आती है ना, यहाँ पे तो रेज जा रही है, मतलब समझो अभी ऐसा क्यों करते हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। ये बताओ, जो ब्लैक वाली है वो भी मिरर पे इंसिडेंट है और जो पर्पल वाली है वो भी मिरर पे इंसिडेंट है, हाँ कि ना? दो सेपरेट केसेस बनाए मैंने, ब्लैक वाला सेपरेट केस है, पर्पल वाला सेपरेट केस है। दोनों केस में मैंने कौन सी रेज दिखाई है, इंसिडेंट रेज दिखाई है कि एक इंसिडेंट एक रिफ्लेक्टेड दिखाई, कौन सी रेज दिखाई है दोनों केसेस? नहीं सर, दोनों इंसिडेंट है। दोनों केस में मैंने सिर्फ इंसिडेंट रेज दिखाई है। अभी इंसिडेंट रेज कहां इंटरसेक्ट करती है, वहां ऑब्जेक्ट है। अगर एक्चुअल में तुम्हारी रेज इंटरसेक्ट कर रही थी किसी पॉइंट पे, तो बोलोगे भाई रियल ऑब्जेक्ट था।
अगर इंसिडेंट रेज को एक्सटेंड करने के बाद, वर्चुअली एक्सटेंड करने के बाद कहीं पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट. दिस इज द डेफिनेशन. अब सुनो, इस तरह से डिफाइन क्यों किया है, क्यों किया गया है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, बट फिलहाल बस ये समझ लो कि कैसे निकालते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है. ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है कि इसकी पोजिशन का ऑब्जेक्ट की, यू सिंपली सी वेयर द इंसिडेंट रेज आर इंटरसेक्टिंग. तुम ये देखो इंसिडेंट रेज कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा. अब ये डिसाइड करते हैं कि रियल है कि वर्चुअल है. तो अगर जो तुम्हारी एक्चुअल इंसिडेंट रेज है वो अगर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब सही में, तो रियल ऑब्जेक्ट होगा. बट अगर लेट्स से मिरर के दूसरी साइड तुम्हें उनका एक्सटेंशन बनाना पड़ रहा है, ये भाई जैसे यहां पर है ये इंसिडेंट रेज पीछे से कहीं से आ रही है, तो रियलिटी में तो यहीं पर एग्जिस्ट कर रही है, ये पीछे तो कहीं पर इंटरसेक्ट की नहीं. बट अगर मान लो इनका इंटरसेक्शन बनाने के लिए हमने इनको एक्सटेंड किया, वी मेड देयर एक्सटेंशंस, रियलिटी में ये आगे नहीं जा रही, बट हमें एक्सटेंशन बनाना पड़ा टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो यहाँ पर ये वर्चुअल एक जगह है, ठीक है, वर्चुअली लेके गए हम इनको, रियलिटी में नहीं जा रही यहाँ पे, तो दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. समझ में आया सब लोगों को? So here we are talking about object and not image, right? Yes, we are only talking about object as of now. Object is on the basis of the point of intersection of incident rays, right? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, तो I was basically getting confused related to like the reflected rays की like दोनों cases में लग रहा है कि virtually है यहाँ पे like the black and purple one. नहीं नहीं देखो यहाँ पर क्या, हमने reflected rays के बारे में बात ही नहीं की है. I'm only drawing the incident rays. एंड ट्राइंग टू टेल यू गाइस कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ होगा दोनों केसेस में, कि अगर ब्लैक वाली रेज है तो ब्लैक वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखोगे, पर्पल वाली रेज है तो पर्पल वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखोगे. ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है, पर्पल वाला एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अच्छा, थैंक यू. एनीवन एल्स? सर, आई हैड अ डाउट एट हाउ ऑब्जेक्ट कैन बी वर्चुअल. इसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी. क्यों बोल रहे हैं इसको? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे ही होगी ना मिरर के. करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. रियल ऑब्जेक्ट इस तरफ होते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरफ होते हैं. सो बट जनरली ऑब्जेक्ट्स आर लाइक थ्रू थ्रू ऑब्जेक्ट्स ओनली द लाइट रेज कम, वी कैन से. सो हाउ कैन दैट बी वर्चुअल? मैं उसके बारे में बात करूंगा, डोंट वरी. फिलहाल बस हम ये देखते हैं कि अगर मान लो हमें इंसिडेंट रेज पता है कि कैसी दिखती है, तो हम अपने फॉर्मुलेज में जो कुछ भी करते हैं, मतलब उसमें हम ऑब्जेक्ट कहां पर लेंगे, फिलहाल बस ये निकालना सीखते हैं. ऐसा क्यों कर रहे हैं, विल टॉक अबाउट दैट. ओके, ठीक है. तो देखो यहां पर ये वाला जो केस है, इसमें एक रियल ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है. सो रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है यहां पर, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम है. सेकेंड तुम्हें डायग्राम बनाना है ये वाला, इसमें वर्चुअल पॉइंट ऑब्जेक्ट है. दिस इज डायग्राम नंबर वन, दिस इज डायग्राम नंबर टू. इन दोनों में ऑब्जेक्ट कैसे निकाला और उसको रियल और वर्चुअल क्यों बोला, बस ये समझ में आना चाहिए तुम्हें. क्यों बोला उसके बारे में हम बात करेंगे कि यू नो इसको ऑब्जेक्ट ले ही क्यों रहे हैं. पहली बात, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट ले ही क्यों रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे. डू नॉट वरी अबाउट दैट. ठीक है, कैन आई मूव ऑन टू द इमेज पार्ट? Yes. First and second diagram बना लिया सब लोगों ने? Sir, you can move on. ठीक है, देखो अब मैं बात करता हूं third and fourth diagram के बारे में. इसमें images की position निकालने की कोशिश करता है. Let's say तुम्हारी reflected ray ऐसी दिख रही है, तो ये बताओ क्या ये future में जाकर कहीं पर intersect करेंगी कि नहीं करेंगी, ये बताओ. No, sir. इनको वर्चुअली एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ, वर्चुअली एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ तो यहां पर इंटरसेक्ट कर दिए. सो दिस इज एन इमेज. इसको इमेज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज जो है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है. ये पॉइंट रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए इसको इमेज बोल रहे हैं. वुड आई कॉल इट रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? देखते हैं क्या जो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहीं इंटरसेक्ट कर रही है. नो, क्या उनका
वर्चुअल एक्सटेंशन कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यस, तो उसको क्या बोलोगे, वर्चुअल इमेज बोलोगे कि रियल इमेज बोलोगे? विल कॉल इट वर्चुअल इमेज, ठीक है, चलेगा? Yes. अब देखो, इसी की जगह अगर मान लो somehow, इसी की जगह मान लो somehow, जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रेज है वो ऐसे कुछ दिखती है कि एक रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रही है, तो ये दोनों यहां पर सच में मिल जाती, यहां पर सच में मिल जाती, तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलती हैं उस पॉइंट को इमेज बोलते हैं, अगर वो सच में मिल रही हैं तो उसको रियल इमेज बोल रहे हैं। सो दिस इज अ रियल इमेज, व्हाई? बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज फर्स्ट ऑफ ऑल आर एक्चुअली मीटिंग ओवर हियर, सो दिस इज अ रियल पॉइंट, इट्स अ रियल इमेज। समझ में आ रहा है सब लोगों को? पर सर उसमें भी तो हो रही है ना, क्या करेगा? क्या क्या सर, जो स्पोर्ट है उसमें भी तो हो रही है ना। देखो ये ग्रीन वाला केस है, ये ब्लैक वाला केस है। सर वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन क्या होगी? वर्चुअल इमेज का मतलब है इट्स अ पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, बट एक्चुअल में होगा क्या कि रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्टेड होने से पहले कहीं मिल रही हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ब्लैक वाली, ये रिफ्लेक्ट होने से पहले कहीं मिल रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद तो ये ऐसे दिख रही है, तो इनका पीछे का वर्चुअल एक एक्सटेंशन हमने बनाया वहां पर मिल रही है, इसलिए इसको वर्चुअल बोला गया, वर्चुअल इमेज। रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब बस ये देखना है कि सच में आगे जाके मिलती हैं ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, नहीं यार ये तो एक वर्चुअल एक्सटेंशन है इनका जो कि इंटरसेक्ट होता है, ठीक है? सर टॉप राइट वो डायग्राम में लिखा रेज वन एंड टू सेंटर्ड फ्रॉम अ पॉइंट, बट पॉइंट सोर्स से मतलब डाइवर्जिंग रेज तो निकल सकती है बट कन्वर्जिंग रेज कैसे निकल सकती है? हाँ देखो इसके लिए बोल रहा है, एक्चुअली इसके लिए बोल रहा है वो इसके लिए बोल रहा होगा, नॉट फॉर दिस। सर प्लेन मिरर में क्यों ड्रॉप किया है आपने रियल इमेज? सर प्लेन मिरर में तो नहीं होता ना। हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दूंगा तुम लोगों को। सर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में रियल इमेज बना के दिखाऊंगा। सर बोल। सर इन दैट रिफ्लेक्टेड रे इट इज अ रियल ऑब्जेक्ट बट हाउ डिड इट बिकम वर्चुअल पॉइंट इमेज? सर देखो तुम ये बताओ, तुम जब एक मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो मिरर से जो रिफ्लेक्शन आता है, यूजिंग दैट कैन यू सी योर फोटोग्राफ ऑन अ स्क्रीन? वी कैन नॉट, नो सर, है ना? तो हमारी जो इमेज बनती है इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑन अ पेपर, हम पेपर पे उस इमेज को देख नहीं सकते किसी पेपर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो इसलिए उसको वर्चुअल बोला गया कि यार वो तो मिरर के अंदर कहीं पर है, इट कैन नॉट रियली बी टेकन इन द फिजिकल स्पेस, जो हमारे अराउंड फिजिकल स्पेस है उसमें कहीं पर हम इस इमेज को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये मिरर के अंदर कहीं पर है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। नो सर, दैट पॉइंट इमेज इट इज रिटन, नो सर, ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉइंटेड बट वर्चुअल, नो दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज आल्सो अ पॉइंट इमेज। हां गेट, ओके सर, गॉट इट सर। Okay. Sir, in third case, will there be a real object or virtual point object? यहाँ पे? Yes. Virtual, right? सुनो, यहाँ पर तुम्हारा virtual object है ये रहा. This is a virtual object. इस virtual object की real image बन गई. ठीक है? सबसे पहले ये बताओ, ये जो चार diagrams हैं, ये कैसे बन रहे हैं? वो कितने लोगों को समझ में है, इनका कंस्ट्रक्शन कितने लोगों को समझ में है, इन चारों डायग्राम्स का? नहीं समझ में सर, वो वाला नहीं समझ आया, रियल इमेज वाला। महक क्या चीज समझ में नहीं आई? महक हाँ, क्या चीज समझ में नहीं आई थी? You had given a thumbs down, na? कोई particular चीज थी जो समझ में नहीं आई? I can help you out. अगर कोई दिक्कत है सच में, तुम लोग बस पूछ लो यार। Hello sir. हाँ, महक कोई दिक्कत थी क्या? Sir वो last image नहीं समझा। Last image नहीं समझा, ठीक है। ये वाला fourth वाला? Yes sir. ये बताओ यहाँ पर object किधर पे? Position number one, position number two कहाँ?
हाँ पर एक्चुअली वो स्ट्रक्चर ही बहुत बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है. देखो ये क्या बोल रहा है कि यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हर तरफ लाइट की रेज निकल रही है इस तरह से. तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, यहां पर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यहां पर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी. फिर जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनको मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, तो यहां पर तुम्हारी इमेज बनेगी. अब जो हमारी असलियत की रिफ्लेक्टेड रेज है क्या वो आगे जा मिलती है, नहीं वो मिलती है. इन रिफ्लेक्टेड रेज का पीछे एक वर्चुअल एक्सटेंशन अगर मैंने बनाया है, वो एक्सटेंशन कहीं पर मिल रहा है, तो उसको एक वर्चुअल इमेज बोल देते हैं. अब समझ में आया? Yes, sir, a little. I think I need practice. So, can you explain the third type? So, the point object mein incident ray nikalna chahiye, aapne uske towards point kiya. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो हेलो सर स्पीकिंग. सर आप बात कर रहे हो? नो ही इज नॉट स्पीकिंग. ओके ओके हेलो हेलो एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस सर. एक मिनट, बीच में एक्चुअली कुछ तो डिस्कनेक्शन हो गया था. सर वो थर्ड वाला क्या क्या थर्ड वाला डायग्राम थर्ड वाला डायग्राम में दिक्कत है सर वो कैसे बना? हाँ देखो मान लो लाइट रेस कहीं से किसी तरह से ऐसे किसी तरह से ऐसे इस तरह से तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएंगी और यहाँ पर मिल जाएंगी. सही बात है. रिफ्लेक्टेड रेस सच में कहीं पर मिल रही है? हाँ कि ना? पर सर वो तो अलग अलग रेस मिल रही है ना. करेक्ट, सही बात है. एकदम वो तो एकदम ऑपोजिट साइड से आ रही है, एक ही ऑब्जेक्ट में से थोड़ी ना आ रही है. ठीक है मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तुम लोगों को ये बताता हूँ कि ये रेज ऐसे कैसे आ सकती है एक ऑब्जेक्ट से. हाँ सर मेरे पास. हाँ ठीक है सुनो, मान लो मेरे पास एक कॉन्वर्जिंग लेंस है. इस कॉन्वर्जिंग लेंस के फोकस वाले पॉइंट पे मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया. इस ऑब्जेक्ट से रेज निकली इस तरह से, तो थोड़ा सा मुड़के ऐसे आ जाते हैं, इस तरह से आ जाते हैं. अग्री करते हो? हाँ सर. अब देखो यहां पर अगर मैंने पीछे कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता इस जगह पर लेट्स से, तो क्या होता उससे? हाँ. जो रेज उससे जो रेज आ रही है वो थोड़ी सी ऐसे कुछ तो कॉन्वर्ज हो सकती थी. अग्री करते हो सर? हाँ क्या इज इट पॉसिबल सर? पैरेलल होगा तो होगा ना कन्वर्ज. पैरेलल के बिना और किसी भी केस में कन्वर्ज नहीं होता, ऐसा है क्या? नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ पैरेलल में एक होता है और बाकी का नहीं मालूम. ठीक है देखो इसके में सब पैरेलल इसके केस में क्या होता है, इट कन्वर्जेस ऑन द फोकस, इट कन्वर्जेस ऑन द ठीक है. बट बाकी केसेस में क्या होता है, इट कैन स्टिल कन्वर्ज. मान लो यहां से कुछ तो रेज आ रही थी, दे कैन स्टिल कन्वर्ज बट दे वोंट कन्वर्ज एट द फोकस, वो कहीं यहां पीछे कन्वर्ज करेंगे. ऐसा कुछ तो पढ़ा है कि क्लास 10th में तुम लोगों ने. अरे सुनो मेरी बात सुनो, लेंस के सेंटर से भी पास कर दो, देखो हर डायरेक्शन में रेज जाएंगी, हर डायरेक्शन में रेज जाएंगी, वो सारी की सारी आके यहाँ पर मिल जाएंगी कहीं. इट इज पॉसिबल. अभी ये जो पॉसिबिलिटीज हैं जितनी भी, ये हम बाद में पढ़ेंगे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लेंस. फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि भाई कोई भी अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है इधर पे, लेंस को इस्तेमाल करके यहां पर उसकी इमेज बनाई जा सकती है. इट इज पॉसिबल, इसको अलग अलग जगह पर रख के. ठीक है सो यहां पर मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यूजिंग अ लेंस हम यहां पर उसकी इमेज बना सकते हैं. विच मीन्स ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है जो यहां पर लेंस ने टर्न कर दिए, रिफ्रैक्ट कर दिए, ये यहां पर मिल सकती है. तो देखो अगर मान लो मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसके सामने मैंने एक लेंस रख दिया. आई हैव अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसके सामने मैंने एक लेंस रख दिया यहां पर, एंड फिर मैंने क्या किया, यहां से देखा कि भाई ये जो रेज आ रही थी
ये किसी तरह से कन्वर्ज होने लग गई. इफ दे दे वुड हैव कंटिन्यूड दे वुड हैव मेट ओवर दिस पॉइंट, वो यहां पर मिल जाती. बट उसके पहले हमने यहां पर एक मिरर लगा दिया, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके यहां कहीं मिल जाती है, इधर पे कहीं पे मिल जाती है. सो क्या पॉसिबल है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो ऐसी रेज वन एंड टू निकालना? इज इट पॉसिबल और नॉट? यस सर, इट इज पॉसिबल. बट बीच में कॉन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ता है हमें, देन इट इज पॉसिबल. सही बात है. सो जो लोग ये सोचते हैं कि सर ऐसी रेज पॉसिबल ही नहीं होती है, इट इज पॉसिबल. मैंने एक एग्जाम्पल दिखा दिया तुम लोगों को. अग्रीड? यस. ठीक है, अब देखो. सर इट इज पॉसिबल इन अनदर वे. इज इट पॉसिबल इन मोर वेज? सो सर वी कैन टेक प्लेन मिरर आल्सो. नो, नहीं नहीं, प्लेन मिरर से ऐसा नहीं हो पाएगा अनफॉर्चूनेटली. ठीक है, अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर होगा सर, इफ वी प्लेस थ्री लाइक अ मिरर लाइक ऊपर लाइक एट 90 डिग्रीज तीन साइड पे, देन यू आर यूजिंग मल्टीपल मिरर्स. अंडरस्टूड? यस सर. हाँ ठीक है, सर एट एन एंगल. हाँ ठीक है, मल्टीपल एंगल्स एट डिफरेंट एंगल्स, राइट? मल्टीपल मिरर्स एट एंगल्स, राइट? दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. हाँ उससे भी शायद सर हेक्सागन मिरर. हेक्सागन मिरर, ठीक है भाई, वैसे सर थ्री साइड ऑफ हेक्सागन मिरर लाइक दैट. कूल, उससे भी शायद पॉसिबल हो जाए फिर. ठीक है, बट यूजुअली हम लेंस इस्तेमाल करते हैं कन्वर्जिंग लेंस. एनीवेज, अब देखो यहां पर तुम में से कुछ लोग इस चीज में कंफ्यूज हैं कि सर इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल ही क्यों रहे हैं. इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल ही क्यों रहे हैं कि यार सर देखो ना, यहाँ पे ये हमारा मिरर है. ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं अभी मैं क्या चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इंसिडेंट रेस ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पर मिल जाएंगे, ये हमें मालूम है. तो लोग ये बोलते हैं कि सर आप बोल रहे हो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, इसको ऑब्जेक्ट बोल ही क्यों रहे हो? बिकॉज रियलिटी में तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा है जिससे लाइट पैदा हुई, जिससे लाइट पैदा हुई और वो यहां पर कॉन्वर्ज होने की कोशिश कर रही थी इस पॉइंट पे, बट इट कुड नॉट कॉन्वर्ज. वो पहले रिफ्लेक्ट हो गई और यहां पर मिलने लगी. तो इसको ऑब्जेक्ट बोल ही क्यों रहे हो, लोग ये पूछते हैं. क्या एक क्वेश्चन आ रहा है तुम लोगों के दिमाग में? कि सर असलियत में तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, फाइनली इमेज यहां बन रही है, इसको आपने ऑब्जेक्ट क्यों बोल दिया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? अब देखो इसका रीजन बताता हूं मैं. इसका रीजन बहुत सिंपल है. हम क्या करते हैं, हम हर एक रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद नई शुरुआत करते हैं. ये वाला रिफ्रैक्शन अगर हो गया तो हम क्या बोलते हैं, यहां अगर ऑब्जेक्ट रखा होता तो यहां इमेज बनती. फिर एक बार इसका काम खत्म हो गया, हम इसको भूल जाएंगे. हम बोलेंगे अब ये गायब हो गया, दिस नो लॉन्गर एग्जिस्ट फॉर अस. इसको जो करना था इसका वो रिजल्ट हमने देख लिया. फिर हम क्या बोलेंगे, इसकी जो भी इमेज है जो यहां फॉर्म होती, वो यहां फॉर्म होने की बजाय यहां फॉर्म होगी बिकॉज ऑफ दिस मिरर. व्हाई? बिकॉज द इमेज फ्रॉम द लेंस व्हिच इज दिस, कॉल इट आई वन, दिस बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर. हम ऐसा बोलते हैं कि भाई ये रेज यहां पर जाके इधर पे मिलना चाह रही थी, बट इंस्टेड वो रिफ्लेक्ट होके यहां पर मिल गई. तो हम क्या बोलेंगे कि ये जहां पर ये जो लेंस है, ये जहां पर भी इमेज बनाना चाह रहा था, वो वाला पॉइंट इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है. हम ऐसा बोल देते हैं. सो फॉर दिस मिरर देयर इज एन ऑब्जेक्ट एट दिस पोजीशन. बट क्या वो रियलिटी का ऑब्जेक्ट है कि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स. इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज ये मिरर इस तरफ बना देता है. समझ में आ रहा है? नहीं नहीं सर, नहीं समझ आया. नहीं समझ आया. मिरर का इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है ना? एग्जैक्टली, एक चीज की इमेज दूसरे मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकता है. इसके मैं और एग्जांपल्स देता हूँ. कौन के मिरर के बिना देखोगे क्या? हाँ देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ, सुनो. मान लो मेरे पास एक मिरर इधर पे है, ये रहा, और एक मिरर इधर पे है. दो मिरर्स हैं. ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट की यहां पर एक इमेज बनेगी फ्रॉम मिरर वन. ठीक है, अब देखो यार, इसको मिरर टू बोल दो, इसको मिरर वन बोल दो.
ये बताओ इस मिरर में क्या इसकी इमेज दिखेगी? हाँ दिखेगी, इसकी इमेज दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। यस सर। इसकी भी इमेज दिखेगी मेरे को, इनफैक्ट इसकी भी इमेज दिखेगी यहां कहीं, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं कि आई हैव टू मिरर, एग्जैक्टली अगर मेरे पास दो मिरर्स हैं और मैं यहाँ पर कहीं पर खड़ा हो जाऊं तो मुझे इस मिरर में बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं, एक खुद की इमेज, एक इस मिरर में जो मेरी इमेज है उसकी इमेज, फिर उस इमेज की इमेज, ऐसे चलता रहता है प्रोसेस, ये प्रोसेस चलते रहता है और हमें बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलती है इन ईच ऑफ द मिरर्स। अग्री करते हो? Yes, sir. तो अभी देखो यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर जो इमेज बनी है दैट इमेज ऑल्सो बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, तो इस इमेज की भी इमेज बनती है। तो क्या हुआ है फॉर दिस मिरर, मिरर नंबर टू, ये वाली जो इमेज है दिस बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट, बट क्या यहाँ पर कोई असलियत का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कि एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? क्या लगता है? इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, असलियत का तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस असलियत के ऑब्जेक्ट की यहाँ पर एक इमेज बनती है, इस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पर एक इमेज बनी है इस मिरर के अंदर, दैट इन इटसेल्फ बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मिरर। तो इस मिरर टू को लगता है दो आदमी खड़े हैं हमारे सामने, एक ओ पे खड़ा है और एक आई वन पे खड़ा है, इसको ऐसा लगता है कि देर आर टू पीपल स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है? फिर इन दोनों की इमेज यहाँ पर मिरर नंबर टू में बनती है, एक यहाँ, और ये प्रोसेस चलते जाता है, चलते जाता है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो यहाँ पर टू की भी बनेगी ना, बहुत सारी बनेंगी, एग्जैक्टली बहुत सारी बनेंगी, तो मैं सारी की सारी नहीं बना रहा हूँ। तब यहाँ पर फंडा क्या है कि यार क्योंकि हम एक चीज होने के बाद उसको भूल जाएंगे कि यार यहाँ से कुछ हुआ, उसके बाद उसको भूलना है अपने को, तो हम बस ये देखेंगे भाई उससे रेस ऐसे आई है, ये रेस कहाँ पर मिलने वाली थी, यहाँ पर मिलने वाली थी, यहाँ पर उसकी इमेज बनने वाली थी, अब उसकी इमेज इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, बट क्या ये असलियत का ऑब्जेक्ट है? नहीं, असलियत का ऑब्जेक्ट तो कहीं और रखा हुआ है, तो इसको एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल देंगे। अब इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की यहाँ पर एक रियल इमेज बन जाती है। समझ में आ रहा है? सर, तो ये रियल इमेज दो मिरर्स अगर होंगे तो ही बन पाएगी? हाँ, मतलब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होना चाहिए, कॉन्वर्जिंग रेज होनी चाहिए, रेज कॉन्वर्ज होने की कोशिश कर रही होंगी, तब उसके सामने एक मिरर लगा दोगे तो रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पर कॉन्वर्ज हो जाएंगी और मिल जाएंगी। अभी कॉन्वर्जिंग रेज अगर एक ऑब्जेक्ट से पैदा कर ली है तो पीछे कहीं पर एक लेंस होना चाहिए, कॉन्वर्जिंग लेंस, ठीक है? फॉलो कर रहे हो क्या? अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको मैं फिलहाल यहीं पे छोड़ देता हूँ, इसके ऊपर कोई और चीजें नहीं करेंगे हम, प्लेन मिरर्स के इसमें इस पे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, जब हम कर्व्ड मिरर्स पे आ जाएंगे तब इसके बारे में बात करने की जरूरत पड़ेगी, सो वी विल टॉक अबाउट दिस अगेन लेटर ऑन। फिलहाल के लिए बस जितना लिखवाया है उतना समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को, थोड़ी बहुत जो एक्सप्लेनेशन दी है वो समझ में आ जानी चाहिए कि भाई यहाँ पर ये जो रेज हैं दे वांटेड टू मीट एट दिस पोजीशन, वो यहाँ पर इमेज बनाना चाह रही थी बट बन नहीं पाएगी बिकॉज बीच में मिरर आ गया जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये जो इमेज बनने वाली थी यहाँ पर दैट इमेज एक्चुअली एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर मैथमेटिकली, तो इस ऑब्जेक्ट का ऑपोजिट साइड पे एक इमेज बन जाती है जो कि रियल इमेज होती है, बिकॉज दिस कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, कि अगर मैं यहाँ पर पेपर लगाऊंगा तो पेपर पे मुझे सही में कुछ तो ब्राइट स्पॉट दिखेगा, किसी चीज की इमेज दिखेगी मुझे। समझ में आ रहा है? समथिंग दैट कैन बी टेकन ऑन अ पेपर, कोई इमेज जिसको तुम पेपर पे ले सकते हो, स्क्रीन पे उसको उतार सकते हो, उसको रियल इमेज बोलते हैं, जो यहाँ पर मिरर के अंदर कहीं पर बन रही है उसको वर्चुअल बोलते हैं। अब देखो अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा एंड दैट इज वेरी कॉमन, बट इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, ये आगे वापस से आएगा, विल टॉक अबाउट दिस अगेन। अभी क्या है कि मैं पहली बार जब भी ये चीज बताऊंगा ना, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, इसमें दिक्कत होगी, बट इफ आई टेल इट टू यू गाइस और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं फिर तुम पे छोड़ दूं सोचने के लिए, तो तुम लोग सोचोगे, आराम से बैठोगे, तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी कुछ रीजन फॉर्म करेगा इन चीजों के बारे में, एंड फाइनली जब मैं सेकेंड टाइम पढ़ाऊंगा तब मुझे आसानी हो जाएगी। सो दैट इज माई मेन मोटो ओवर है कि भाई मैं सेकंड टाइम जब पढ़ाऊंगा तब ज्यादा समझ में आना चाहिए, अभी इसका ज्यादा काम नहीं होगा। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, चलेगा क्या भाई, बताओ? यस सर। ओके यस। तो देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है,
नेक्स्ट कंसेप्ट इज सिंपल कि भाई मान लो हमारे पास एक मिरर रखा हुआ है, इस मिरर पे एक लाइट रे आई, वो रिफ्लेक्ट हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ऑफ कोर्स दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द मिरर. अब हम क्या देखना चाहते हैं कि भाई अगर मान लो मैंने मिरर को थोड़ा सा घुमा दिया थीटा एंगल से और इंसिडेंट रे एज इट इज सेम डायरेक्शन में आ रही है एज बिफोर, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में जाएगी कि कहीं और जाएगी? क्या लगता है? पहले तो ये बताओ. रिफ्लेक्टेड इस तरफ जाएगी और ये टू थीटा एंगल से घूम जाती है. मिरर को क्लॉकवाइज घुमाया थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे सेम सेंस में डबल एंगल से घूम जाती है. मिरर को जितने से घुमाया है रिफ्लेक्टेड रे उससे दो गुना एंगल से घूम जाती है. ये वाला रिजल्ट मैं प्रूफ करके दिखाता हूं. सब लोग ध्यान से सुन लो, आई मे नॉट रिपीट इट, तो प्लीज पहली बार सुनने की कोशिश करना. तो यहां पर क्या है, मेरे पास ऐसा कुछ है कि लेट्स से दिस इज द मिरर. ठीक है, एंड ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे कुछ तो चली जाएगी. अब हमें किसको रोटेट करना है? वी हैव टू रोटेट ओनली द मिरर. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, हमें सिर्फ और सिर्फ मिरर को रोटेट करना है बाय एन एंगल थीटा. तो यहां पर मैंने मिरर को रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा. थोड़ा सा घुमा दिया मिरर को थीटा एंगल से. अब देखो क्या होता है, देखते हैं. पहले नॉर्मल इस तरह से थी, ये पहले की नॉर्मल एंड नॉट. नई नॉर्मल कुछ ऐसी है. अग्री करते हैं सब लोग? जल्दी बताओ. यस सर. या फिर ऐसे देख लो, सुनो कि पहले का मिरर ऐसा था तो इधर पे जो भी एंगल था इधर पे वही एंगल आ जाता है. इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो भी एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे वही एंगल बनाती है मिरर के साथ. ये आ रहा था, अभी भी वैसा ही होगा. मिरर की नई पोजीशन ये है, इंसिडेंट रे अब कम एंगल बना रही है मिरर के साथ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कम एंगल बनाएगी मिरर के साथ. सो यहां पर अब क्या होगा, पहले रिफ्लेक्टेड रे ऐसे थी, अब रिफ्लेक्टेड रे थोड़ी सी इस तरफ टर्न हो गई है एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. इट हैज टर्नड क्लॉकवाइज बाय सम एंगल. कितने एंगल से टर्न हुई है ये मैं निकालने की कोशिश करता हूं, बट इतना समझ में आना चाहिए सब लोगों को कि पहले अगर रिफ्लेक्टेड रे ऐसी दिख रही थी ब्लैक वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो ब्लू वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ तो ऐसी दिखेगी. इट वुड टर्न टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये चीज समझ में आनी चाहिए सब लोगों को. आ रही है क्या समझ में? सर. अब देखो यहां पे आई वुड ड्रॉ द न्यू रिफ्लेक्टेड रे. तो जो नई रिफ्लेक्टेड रे है वो यहां कहीं चली जाएगी. इसको नाम दे देता हूं आर डैश. वी वॉन्ट टू फाइंड दिस एंगल कि ये कितने से चेंज हो गए. इसको लेट्स से डेल्टा डैश बोल देता हूं, बिकॉज डेल्टा हमने पहले इस्तेमाल कर रखे है डिविएशन एंगल के लिए. डिविएशन एंगल क्या होता था कि इंसिडेंट रे जिस तरफ जाना चाह रही थी उससे कितना डिविएट हो गई रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसको हमने पहले डिफाइन कर रखा है डेल्टा से, वो सिंबल इस्तेमाल कर रखा है. तो यहाँ पर डेल्टा डैश इस्तेमाल करना कि रिफ्लेक्टेड रे जहां जाना चाह. अल्फा यूज कर ले. श्योर यू कैन यूज अल्फा, नो प्रॉब्लम. बट यार यूजली देखो चेंज के लिए हम डेल्टा इस्तेमाल करते हैं, इधर वी यूज दिस सिंबल और दिस सिंबल. तो चेंज हुआ है ना इसका पाथ, कितने अमाउंट से चेंज हुआ इसका पाथ, इसलिए डेल्टा इस्तेमाल कर रहा था मैं. बट एक काम करो उसको दूसरे डेल्टा सिंबल से इस्तेमाल कर लो. यूज द अदर डेल्टा सिंबल. डेल्टा के दो सिंबल्स होते हैं, तो कैपिटल वाला आई थिंक होता है, तो विल यूज दिस वन. इज इट फाइन? जल्दी बताओ सर. आपका इंसिडेंट वही है ना दूसरे मिरर पे भी? सॉरी हाँ वहीं पर उसी पॉइंट पे इंसिडेंट है बिल्कुल. सर एंगल लेके बताओ ना. हाँ अब देखो, अब मैं एंगल्स एंगल्स के बारे में बात करता हूँ. सुनो अगर मैं इस एंगल को एक्स बोल दूं, इफ आई कॉल दिस एंगल एक्स, ये बताओ ये जो ब्लैक वाला मिरर था, ब्लैक वाला मिरर, इस पे ग्लांसिंग एंगल क्या था? थीटा प्लस एक्स. यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर के साथ क्या एंगल बनाएगी? सेम एंगल बनाएगी, थीटा प्लस एक्स. एग्री करते हो? यस सर. सो दिस एंगल शुड बी थीटा प्लस एक्स. इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दो भाई जल्दी से. सर थीटा प्लस एक्स कैसे आया?
थीटा प्लस एक्स कैसे आया? ये थीटा और ये एक्स, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है ये मिरर के साथ थीटा प्लस एंगल बना रही है, अग्री करते हो? सर वो नॉर्मल भी बना दो ना तो समझ में आएगा। नहीं नॉर्मल की जरूरत नहीं है ना, सुनो हमेशा नॉर्मल बनाना जरूरी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, अगर इस एंगल को वाई बोल रहे हो तो ये वाला एंगल भी वाई होगा, नॉर्मल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती हमेशा। सही बात है? Yes, sir. हाँ, sir. ठीक है, नॉर्मल बनाने से फालतू का कचरा होगा इस पिक्चर में, इस तो लेट्स अवॉइड ड्रॉइंग द नॉर्मल इन दिस केस। तो देखो यहां पर क्या है, ये पहला मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल है इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का, थीटा प्लस एक्स है ये। तो जब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है तो मिरर के साथ सेम एंगल बनाएगी, थीटा प्लस एक्स। इस चीज में अगर किसी को दिक्कत है तो जल्दी से बोल दो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। एंड दिस वुड नॉट बी रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होगा। किसी को दिक्कत है यहां तक? ओके परफेक्ट। अब देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इन दोनों में यहां पर एंगल अगर थीटा है तो यहां पर भी एंगल थीटा हो जाएगा, अग्री करते हो? हाँ सर, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर क्या है, ये वाला भी थीटा हो, दिस एंगल वुड आल्सो बी थीटा। बेसिकली मिरर कितने से घूम गया, यहां पर घूम गया थीटा से, तो यहां पर भी थीटा से ही घूम जाएगा, सिंपल सी बात है। हर कोई अग्री करता है? यस सर। अब देखो यहां पर अगर ये वाला जो एंगल है ब्लू वाले मिरर के साथ, ब्लू वाले मिरर के साथ इंसिडेंट रे का एंगल अगर एक्स है तो रिफ्लेक्टेड रे का ब्लू वाले मिरर के साथ वापस से एक्स होगा। हाँ सर। मैं थोड़ा अलग कलर से इनको ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देख लेना सब लोग। ग्रीन कलर ड्रॉ कर रहा हूँ इसको और इसको। ये एक रे आई, ग्रीन मिरर पे गिरी और रिफ्लेक्टेड हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे जो भी एंगल है यहाँ पर वही एंगल होगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। इस चीज पे अग्री करते हैं सब लोग? Yes. Yes, sir. Sir, अब एक बार वो थीटा एंगल एक्सप्लेन करोगे कि कैसे आपको मिला राइट हैंड साइड वाला थीटा? हाँ बिल्कुल, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को ध्यान से देखो, सब वर्टिकली ऑपोजिट है ना? हाँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं, है ना? सो दे हैव टू बी इक्वल। तो ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा, आप देखो दिस एंगल वुड ऑल्सो बी एक्स। अभी बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाउ मच वुड बी दिस एंगल? थीटा माइनस, थीटा माइनस एक्स, थीटा माइनस। सर आई अंडरस्टूड। अब इस डेल्टा को कैसे निकालोगे, थीटा प्लस एक्स और थीटा माइनस एक्स को ऐड करके? यस सर, टू थीटा। एग्जैक्टली, सो डेल्टा थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा माइनस एक्स, तो डेल्टा की वैल्यू टू थीटा आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि भाई हमने इंसिडेंट रे को नहीं छेड़ा, मिरर को घुमा दिया अबाउट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे गिर रही थी उस पॉइंट के अबाउट मैंने मिरर को रोटेट किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। मिरर को क्लॉकवाइज घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूम गई। कितने एंगल से घूमी, जितने भी एंगल से तुमने मिरर को घुमाया था उससे डबल एंगल से घूम गई है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर मैं लिख देता हूं, द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स। सो मुझे एक्स एंगल नहीं समझ में आया, मतलब वो वर्टिकली ऑपोजिट तो नहीं है? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, एक्स वाला बता देता हूं मैं फिलहाल के लिए। मैं एक बार ये लिख देता हूँ, द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स इन द सेम सेंस एज द मिरर बट बाय ट्वाइस द एंगल, बाय ट्वाइस द एंगल ऑफ मिरर रोटेशन। डेल्टा इज इक्वल टू टू थीटा आ जाएगा, फिर थीटा इज द एंगल बाय विच मिरर हैज बीन रोटेटेड, एंगल बाय विच मिरर। सर ये टू थीटा वापस बताना किसने? हाँ बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ।
डेल्टा इज द डेविएशन और ये कनेक्टेड है कलर के दोनों का रिजल्ट सेम आया क्या डेविएशन का सेम कहां है सर उसका भी 2 थीटा आता है ना डेविएशन अच्छा वो ग्लांसिंग एंगल वो ग्लांसिंग एंगल का ट्वाइस था वो ग्लांसिंग एंगल वो अलग चीज था रुको मैं बताता हूं दोनों में डिफरेंस समझाता हूं कोई बात नहीं कंफ्यूजन काफी नॉर्मल होता है रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ यार लिखने दो एक काम करो जिस जिसको डाउट है हाथ उठा लो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ तब तक बाकी लोग कॉपी कर सकते हैं डाउट्स अभी शुरू करने वाले हो नहीं 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 भाई सुनो ये जो यहाँ पर मैंने थ्योरी बताई इस थ्योरी पे कितने डाउट्स हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ पूरा बताओ क्या दिक्कत है So I wanted to ask in case x is greater than theta, then would we still subtract like theta minus x? Yes. X is greater than theta. तो उस केस में यहाँ पर हो जाएगी तुम्हारी और कुछ भी नहीं. That's the only difference. अगर यहाँ पर ऐसा हो कि ये x बढ़ theta से, तो कुछ भी नहीं. ये यहाँ पर आ जाएगी. That's fine. कोई दिक्कत की बात नहीं. Theta minus x negative आएगा. तो इस तरफ नेगेटिव एंगल से घूमोगे मतलब यहां पर पहुंच जाओगे तुम तो वो फिर भी काम करेगा यू वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स ओके सर बट एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भी चलेगा क्लॉकवाइज में भी चलेगा बट हाँ इसकी एक लिमिट होगी मैं बताता हूं अगर मान लो ये एंगल है 60 डिग्रीज तुमने मिरर को 60 डिग्री से छोटे एंगल से घुमाया तो मिरर इस तरफ ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी ये काम कर जाएगा बट अगर मान लो तुमने मिरर को 60 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा घुमा दिया मान लो 75 डिग्री से घुमा दिया तो मिरर कुछ ऐसा बन जाएगा और मिरर के पीछे वाली साइड पे पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट रे गिरेगी क्या वो रिफ्लेक्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी तो यहां पर अगर तुमने इस मिरर को बहुत ज्यादा ही एंगल से घुमा दिया इतना ज्यादा कि इंसिडेंट रे मिरर के पीछे इंसिडेंट होने लग गई तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे ही नहीं बनेगी वो गायब ही हो जाएगी उसके घूमने का तो छोड़ो वो गायब ही हो जाएगा तो उस केस में ऑब्वियसली ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा बिकॉज देयर इज नो रिफ्लेक्टेड रे ठीक है वैसे वाले केसेस में दिखाऊंगा तुम लोगों को आई विल शो यू गाइस दैट केस डू नॉट वरी सर हमेशा ग्लांसिंग एंगल से कम होना चाहिए ना हाँ एग्जैक्टली ग्लांसिंग एंगल से कम होना चाहिए या फिर एक दूसरा चीज भी होती है कि भाई मान लो हमने क्या किया इतना ज्यादा घुमा दिया कि ये वाला जो पार्ट है पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर टू इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली यार पार्ट नंबर वन जो है अब वो यहां पर आ गया ऐसे कुछ तो रुक जाओ कैसे पॉसिबल है ऐसे कि पार्ट नंबर वन इधर आ जाए और पार्ट नंबर टू इधर पे समझ में आ रहा है सर आपने बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मेरे को सॉरी आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ना मेरे को नहीं कैसे भी घुमा दो क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ दोनों केसेस में इट्स पॉसिबल टू ब्रिंग दिस साइड वन ओवर हियर ये वन साइड यहां पर लाना पॉसिबल है एंटी क्लॉकवाइज घुमा के भी पॉसिबल है और इसको क्लॉकवाइज घुमा के लाना भी पॉसिबल है हाँ कि ना नहीं अरे देखो पूरा एक चक्कर मिरर सेम जगह पर आ जाएगा चाहे क्लॉकवाइज घुमा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तुम आधा चक्कर कटवा दूं आधा चक्कर कटवा दो इसको या तो ऐसे या फिर ऐसे तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी ये वाली साइड इधर आ जाएगी और मिरर पलट के दिखेगा तुम्हें मिरर रिवर्स हो चुका होगा हाँ कि ना इसके बारे में बात करेंगे यार मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा एनीवेज तनिष व्हाट्स योर डाउट सर डेल्टा माइनस एक्स के बाद का किया डेल्टा माइनस एक्स तो किया ही नहीं मैंने थीटा माइनस देखो हमें क्या देखना था कि इस ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे और इस न्यू रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या एंगल है ये निकालना था तो ये टोटल एंगल दिस इज द वो इसका और इसका सम है तो थीटा प्लस एक्स और थीटा माइनस एक्स का सम है काले वाला सर आया सर हां ठीक थैंक यू सर नैन Oh yes, sir. So here, like even if the mirror is moving by theta angle, the incident ray remains at the same. हाँ हम वही बोल रहे हैं कि हमने जो ये जो incident rays हैं, ये originally जिस direction में आ रही थी, उनको नहीं छेड़ा. We have not changed this. तो मान लो एक laser light थी यहाँ पर,
उस लेजर को एज इट इज पकड़े रहेंगे, हम मिरर को घुमा रहे हैं और यहाँ पर लेजर लाइट रिफ्लेक्ट होके जिस तरफ भी जा रही है दैट डायरेक्शन इज चेंजिंग। एक्स एंगल कैसे आया मतलब वर्टिकली ऑपोजिट तो नहीं है तो फिर क्या वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है तुम ये बताओ मुझे कि अगर मान लो मेरे पास एक मिरर है इस तरह से और इस मिरर पे एक लाइट रे गिरी और यहाँ ऐसे चली गई इफ दिस एंगल इज एक्स ये एंगल क्या होगा सर एक्स होगा तो ये रहा मिरर इस मिरर पे इंसिडेंट रे आई एक्स एंगल है यहाँ पर मिरर के साथ तो रिफ्लेक्ट होके जब चली जाएगी तो इस मिरर के साथ यहाँ पर क्या एंगल होगा नॉर्मल के साथ भी सेम होगा और मिरर के साथ भी सेम होगा। ओके मिरर के साथ जो एंगल होता है दैट्स नथिंग बट 90 माइनस द एंगल विद द नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल के साथ सेम एंगल है तो मिरर के साथ भी सेम एंगल आ जाएगा। हां सर थैंक यू। तने तुम्हारा क्या डाउट है सर? सो देन फॉर रिफ्लेक्शन टू अकर the mirror needs to rotate by less than or equal to glancing angle. Less than or equal to glancing angle, ये पहली कंडीशन है या फिर एक पर्टिकुलर एंगल के बियॉन्ड घूम जाए तो भी चलता है। देखो अगर मान लो मैं yes sir so then it will be like from other side not 2 pi plus glancing angle. हाँ exactly good sir but glancing angle का value will not be included right? फिर वो मतलब parallel होगा। हाँ sir फिर तो हुआ ही ना reflection। रुको मेरी बात सुनो। अगर मान लो मैं इस साइड से घुमाते ऐसे लेके आ गया ठीक है तो क्या होगा ये जो एंगल है ये है 180 डिग्री सॉरी नॉट 180 दिस इज 180 प्लस x है अग्री करते हो? एक्चुअली हमें कहां से घुमाना है हमें तो यहां से घुमाना है इस पोजीशन से स्टार्ट करना है टू बी ऑनेस्ट। सो थीटा एक काम करो इसको बोलो 180 और ये प्लस ग्लांसिंग एंगल तो ये हो गया। अब इससे बड़े एंगल से अगर घुमाओगे अब तो यहां पर क्या होगा ये वाली जो साइड थी वो यहां आ जाएगी और इससे रिफ्लेक्ट होके रेज ऐसे नीचे जाना शुरू हो जाएंगे तो वापस से हमें रिफ्लेक्टेड रेज देखने को मिलेंगे। तो या तो तुम्हारा जो एंगल है जिससे तुम मिरर को रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज वो या तो लेस देन ग्लांसिंग एंगल रख लो या तो वो लेस देन ग्लांसिंग एंगल रख लो तो चलता है या फिर उसको ग्रेटर देन 180 प्लस ग्लांसिंग एंगल रख लो दोनों केसेस में चलेगा। ऐसा एक एग्जांपल है वो देखते ही तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीजें डू नॉट वरी। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा आई एम श्योर। आगे एक एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को इस्तेमाल करके मैं समझाऊंगा। बट इसके अलावा कोई और डाउट रह गया क्या कि यार ये 2 थीटा कहां से आ गया इसके बारे में अगर कोई डाउट है तो वो मुझे बता दो किसी को अगर डाउट है। सर तो ऐसा कोई रोबस्ट फार्मूला नहीं है क्या जो मतलब हर एक चीज के काम आए? कोई रोबस्ट फार्मूला नहीं है यहाँ पर ठीक है कोई रोबस्ट फार्मूला नहीं है बट ये जरूर है कि अगर यही वाली साइड नंबर 1 बोल दो यही रिफ्लेक्ट करते रहे और तुम इसको घुमा दो मिरर को थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाएगी। ये हमारा केस जरूर है कि इस तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहा है अभी भी और इसको हमने थोड़ा सा घुमा दिया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से टर्न हो जाती है वो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है कितने लोगों को समझ में आ गया वाला फॉर्मूला? कितने लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया एक बार प्लीज हाथ उठा के बता दो। ओके मैं आगे बढ़ रहा हूं। सर वो दूसरा वाला फॉर्मूला बताओ ना एक आपने बोला शुड बी लेस देन द ग्लांसिंग एंगल और दूसरा क्या था? हाँ देखो वो कोई फॉर्मूला नहीं है वो कंडीशन है दैट्स अ कंडीशन कि भाई ये रिफ्लेक्टेड रे ताकि हमें दिखती रहे उसके लिए कंडीशन है। ठीक है तो अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमने मिरर को थीटा से घुमा दिया तो दिस वुड ऑलवेज बी वैलिड अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है। क्योंकि होता क्या अगर मैंने इसको घुमा दिया ऐसे किसी पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा तो थोड़ी दूर के लिए हमें रिफ्लेक्शन ही नहीं दिखेगा ये इंसिडेंट रे पीछे आ रही है और रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। तो बस तुम इतना जान लो फिलहाल के लिए कि अगर रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है अपने को तो अगर हमने मिरर को घुमाया थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाएगी। फिलहाल बस इतना जान लो। अगर रिफ्लेक्टेड रे गायब हो गई है तो क्या हुआ होगा हमने कितने एंगल से घुमाया होगा उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। फिलहाल के लिए बस
ये इतना जानना चाहिए तुम्हें कि इफ वी आर एबल टू सी द रिफ्लेक्टेड रे देन इट मस्ट हैव टर्नड बाय दिस अमाउंट इफ द मिरर वाज टर्नड. ठीक है सर. अब बस वो कंडीशन. अरे वो कंडीशंस आएंगी आगे. डू नॉट वरी अबाउट दैट. वो आगे आएंगी ना. मैं बोल रहा हूं. सर कैन वी से दैट थीटा माइनस एक्स इज 0 इफ वी आर नॉट एबल टू सी द रिफ्लेक्टेड रे. थीटा माइनस एक्स इज 0. नॉट रियली. हम ऐसा नहीं बोल सकते. Because theta could be more than anything. Or if theta minus x equal to 0, मतलब theta is equal to x, तो दिखेगा ही ना, मतलब फर्क क्या पड़ता? Exactly. Theta और x बराबर हैं अगर, तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर तुम्हारी reflected ray दिखेगी. So उस पे condition नहीं होती है. तुम्हें एक आगे question होगा, उसमें समझ जाओगे. Anyways, let's start with the questions. एक question आएगा बहुत अच्छा सा, उसमें तुम्हारे सारे ये doubts clear हो जाएंगे. ठीक है. इनफैक्ट यही वाला जो क्वेश्चन है इसी में क्लियर हो जाएंगे. यही वाला जो क्वेश्चन है इसी में क्लियर हो जाएंगे टू बी ऑनेस्ट. ठीक है. तो एक काम करो. यहां पर क्या बोल रहा है कि एंगल बाय विच द मिरर शुड बी रोटेटेड सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल. हमें मिरर को घुमाना है ताकि रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल बन जाए. फिलहाल देखो अगर मिरर ऐसे है तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे यहां जाएगी. सर लेफ्ट मोड हमको करना पड़ेगा रोटेट. हाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से बोलना. ठीक है सर. एंटी क्लॉक. हाँ एंटी क्लॉकवाइज. What if I told you कि clockwise वाला भी एक example है. देखो यहाँ पर ये ऐसा बोल रहा है कि vertically up जाना चाहिए. तो यहाँ पर दो possibilities. हाँ, यहाँ पर दो possibilities हैं. Mirror को थोड़ा घुमाओगे तो ऐसा भी possible है कि ये ऊपर चली जाए. Mirror का अलग तरह से घुमाओगे तो ऐसा भी possible है कि ये नीचे चली जाए तुम्हारी जो ray. Both are possible. कैसे possible है तुम सोचो एक बार. अगर मान लो मैंने इस तरफ रोटेट कर दिया, ये वाला तो केस बहुत सिंपल है, तो यार रिफ्लेक्टेड रे भी थोड़ा सा इस तरफ घूम जाएगी और हो सकता है ऐसे कुछ हो जाए. यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए. ये एंगल दोनों बराबर है. बट हमें एक और सॉरी आंसर्स क्या क्या है तुम सब लोग चैट बॉक्स पे लिख दो. कितना एंगल घुमाना चाहिए, कितने किस डायरेक्शन में घुमाना चाहिए, क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए. ओके दो आंसर्स आएंगे. बाय द वे देयर वुड बी टू आंसर्स. दो तरह से घुमाने से पॉसिबल है रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल करना. एक केस में वर्टिकली ऊपर, एक केस में वर्टिकली नीचे. क्या क्या सर भेज दिया सर. ठीक है सब लोगों ने ट्राई कर लिया. ये भी ट्राई. ओके 23 लोगों ने मैसेजेस भेजे हुए हैं. सो आई गेस 23 लोगों ने कर लिया इसको. ओके
सबके आंसर्स चेक करता हूं एक बार मैं. थर्टी डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज. नहीं यार, थोड़ी मिस्टेक है. हर्ष ने लिखा है 15 एंटी क्लॉकवाइज, 195 क्लॉकवाइज. अच्छा नहीं, वो खुश खुश का है. हर्ष ने बोला 15 डिग्रीज. भाई हर्ष, आई होप यू आर सेइंग एंटी क्लॉकवाइज, देन इट्स फाइन. खुश ने दो आंसर्स दिए हैं, पहला वाला सही है, दूसरे वाले में दिक्कत है. तनिष नहीं. ध्रुव के दोनों सही आंसर आ गए. वेरी गुड ध्रुव. एंटी क्लॉकवाइज ओके, बट व्हाट एंगल्स. महीर ने गलत दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी प्रोबेबली. ईशान हल्की सी दिक्कत है भाई. सोम यस, 15 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज इज करेक्ट, बट एक और आंसर होता है. थमराई 15, बट हाँ कौन सी डायरेक्शन में, विच सेंस आर यू टॉकिंग अबाउट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. कल्प का एक सही है, एक में मिस्टेक कर रही, 75 क्लॉकवाइज इज रॉन्ग. देखते हैं क्यों. मिहिर ने बोला 15 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल सही है, बट एक और आंसर होगा. राघव सही है, एक और आंसर होगा, बट हृदय का सही है. तनिष पहला गलत है, दूसरा भी यार थोड़ी मिस्टेक कर दी तुमने. सोम इसमें भी दिक्कत है 30 डिग्रीज वाले में. एंड यस अभिजीत तुम्हारा करेक्ट है. चित्राक्ष 15 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज इज करेक्ट, 75 वाला मुझे गलत लग रहा है. ध्रुव इसमें मिस्टेक है. अनिमेश तुम्हारा फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड में मिस्टेक लग रही है. गार्गी थोड़ा दिक्कत है इसमें. रितेश सेकंड में आएगा ही नहीं क्या, देखते हैं देखते हैं. वो सिल्वर सरफेस पे रिफ्लेक्ट मतलब इंसिडेंट होती है. हाँ ठीक है यार, बहुत सारे लोगों ने आंसर्स दिए हैं एंड कई सारे लोगों ने दोनों आंसर्स सेम भी दिए, मतलब करेक्ट भी दिए, सही दिए. स्नेहिल का फॉर एग्जांपल पूरा करेक्ट है, हर्ष का भी करेक्ट है, ये लोग अभी भेज रहे हैं क्या. अक्षत का करेक्ट है, आर्यन का भी करेक्ट है. ठीक है तो देखते हैं, लेट्स सी. तो यहाँ पर एक काम करते हैं, दो केसेस लेते हैं. पहला केस जब मैं मिरर को सिर्फ इस तरफ घुमाऊंगा, दो केसेस, तो यहां पर क्या करते हैं, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है. रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं 30 डिग्री से घुमा दूं तो वो वर्टिकली ऊपर पॉइंट करने लग जाएगी. रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं 180 प्लस 30 210 डिग्री से घुमा दूं तो वर्टिकली नीचे पॉइंट करने लग जाएगी. ये दोनों चीजें पॉसिबल कब हैं देखते हैं. हमने क्या पढ़ा है, मिरर को जितने से भी घुमाओगे उससे डबल एंगल से घूमती है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे. मिरर को 10 डिग्री से घुमाओगे रिफ्लेक्टेड रे 20 डिग्री से घूम जाएगी. मिरर को 15 डिग्री से घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री से घूम जाएगी, सेम सेंस में. तो यहां पर एक काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं रिफ्लेक्टेड रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की. ये पहला केस है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम. सो केस नंबर वन, लेट्स रोटेट मिरर एंटी क्लॉकवाइज. देखते हैं, रुक जाओ. तो देखो अगर मैंने मिरर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगी. तो रिफ्लेक्टेड रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वर्टिकली अप बनाने के लिए 30 डिग्रीज घुमाना पड़ेगा. एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके वर्टिकली डाउन बनाने के लिए 210 डिग्री, 210 डिग्री कैसा है, ये पूरा 180 है इतना, और इसमें 30 डिग्री जोड़ दिया, 210 हो गया. तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को 30 डिग्री घुमाना चाहता हूं क्लॉकवाइज, ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर मैं 210 डिग्री घुमा सकता हूं टू मेक इट वर्टिकली डाउनवर्ड. तो यहां पर इसके अंदर भी दो केसेस हैं. पहला केस, इफ रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स बाय 30 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, देन इट बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड्स, उस तरफ पॉइंट करने लग जाएगी. एंड टू मेक दिस हैपन तुम्हें मिरर को सेम सेंस में आधे एंगल से घुमाना पड़ेगा. इसको 15 डिग्री से घुमाओगे तब जाकर रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में 30 डिग्री से घूमती है, ये हमें मालूम है. सो टू मेक दिस हैपन, टू मेक दिस पॉसिबल,
टर्न द मिरर एंटी क्लॉकवाइज बाय हाफ द एंगल 15 डिग्रीज बेसिकली. कि पहला केस है और एकदम सही केस है. क्यों? बिकॉज़ थीटा बाय 2 के हिसाब से भी कर सकता है ना. वही तो किया, थीटा बाय 2 ही तो किया मैंने, है ना. अब देखो यहां पे क्या है, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे को देखो ध्यान से, अगर मैं मिरर को थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं तो क्या अभी भी रिफ्लेक्ट होगी लाइट की नहीं हो पाएगी? क्या लगता है? होगी सर, होगी और रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाएगी. सो इज दिस केस पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को. अब दूसरा केस देखते हैं. दूसरा केस क्या है कि भाई जो रिफ्लेक्टेड रे इसको पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हमें नीचे पॉइंट करवाना है. तो इसको कितने से घुमाना पड़ेगा? 210 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 110 degrees in anti-clockwise sense ये करने के लिए मिरर को आधे एंगल से घुमा दो. टू मेक दिस पॉसिबल द मिरर नीड्स टू बी रोटेटेड बाय 105 degrees in the same sense, मतलब anti-clockwise. देखो let's check कि ऐसा करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि incident ray पीछे वाली side पे गिर रही है. चेक कर लेते एक बार. ये angle है 90 degrees, ये angle है 30 degrees, total कितना हो गया? 120. तो अगर मैं इसको 105 डिग्री से घुमाऊंगा तो ऐसे कुछ तो मिरर हो जाएगा तुम्हारा. तो बताओ इंसिडेंट रे कहां गिर रही है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, पॉलिश्ड सरफेस पे? पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, मतलब रिफ्लेक्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हो पाएगी सर, हो पाएगा. रिफ्लेक्ट होने के बाद पीछे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी. ये इमेजिन हो पा रहा है क्या? ये कैसे पॉसिबल है? यस सर. सर एक बार आप रिपीट कीजिए ना. मैं करता हूं, लेट मी रिपीट एवरीथिंग. अगर मैं इसको सिर्फ 15 डिग्री से घुमाता हूं, यहां पर 15 डिग्री से घुमा देता हूं मिरर को, तो क्या होगा देखते हैं. हमारा नॉर्मल इधर पे पॉइंट करने लग जाएगा. ये आई इंसिडेंट रे, इसने सिर्फ 15 डिग्री एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 15 डिग्री एंगल बनाएगी और वो सीधा ऊपर चली जाएगी. रिफ्लेक्टेड रे ऊपर चली गई, मिरर को घुमाया 15 डिग्री से, रिफ्लेक्टेड रे चली गई ऊपर. ये एक केस था, पहला वाला केस वन का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया. ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, ये पूरा एंगल 120 डिग्री है. इससे छोटे एंगल से अगर मैं मिरर को इस तरफ घुमाऊंगा, इससे छोटे एंगल से अगर मैं मिरर को इस तरफ घुमाऊंगा, लेट्स से 105 से घुमाया, विच इज 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो यहां पर क्या होगा? ये एंगल 15 डिग्री है, तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ नीचे चले जाएगी. इट वुड मेक 15 डिग्री विद द मिरर. तो यहां पर इज इट पॉसिबल टू सेंड द रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकली डाउनवर्ड्स? यस. कैसे पॉसिबल है? जब ये वाला सर्फेस यहां आ जाएगा तब पॉसिबल है. ये चीज समझ में आई क्या सब लोगों को? हाँ सर आया समझ. हाँ सर. किसी को अगर अभी भी दिक्कत है प्लीज बाद में रिकॉर्डिंग देखना. अब सुनो अगला केस देखते हैं कि यार अगर मैं मिरर को क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा था तो क्या होगा? तो वो दोनों जो केसेस आएंगे वो पॉसिबल ही नहीं होंगे. देखते हैं, सुनो. यहां पर यह रही हमारी रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्लॉकवाइज घुमा के या तो तुम नीचे लेके आ सकते हो या फिर पूरा क्लॉकवाइज घुमा के तुम यहां पर लेके आ सकते हो. दो पॉसिबिलिटीज है, या तो उसको क्लॉकवाइज में 150 डिग्री घुमाओ. तो अगर इसको क्लॉकवाइज में 150 डिग्री घुमाना है वर्टिकली डाउन बनाने के लिए, तो मिरर को क्लॉकवाइज में 75 डिग्री घुमाना पड़ जाता है. अब मैं अगर मिरर को 75 डिग्री घुमाऊंगा तो क्या होगा? देखो ये एंगल है 60 डिग्री, तो इसको मैं क्लॉकवाइज में 75 डिग्री जैसे घुमाता हूं मिरर, ऐसे कुछ तो आ जाएगा. और यहां पर इंसिडेंट रे कहां पर पड़ रही है? रिफ्लेक्टिंग वाले सरफेस पे कि पीछे की साइड? कहां गिर रही? पॉलिश्ड. पॉलिश्ड
पीछे की साइड गिर रही है तो क्या वो रिफ्लेक्ट हो पाएगी? क्या इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्या मैं ये वाला केस रिपीट कर दूं? ओके, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, आ गया समझ। अब देखो तो यहां पर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। पहला जो केस था कि भाई इसको 150 डिग्री से घुमा दो ताकि ये नीचे आ जाए, वो वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, हमने ये देख लिया। दूसरा केस देखते हैं कि इसको पूरा 330 डिग्री से घुमा के, 330 डिग्री से घुमा के ऊपर बना दो क्लॉकवाइज घुमा के। तो अगर 330 डिग्री से इसको क्लॉकवाइज घुमाना है तो यहां पर कितना आएगा तुम्हारे पास? 165 डिग्री से तुम्हें मिरर को घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। सही है, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तो मिरर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 165 डिग्री से घुमाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखो ये वाली जो साइड है मिरर की, ये वाली साइड 165 डिग्री से घुमानी है। 160 मींस 180 माइनस 15। तो ये वाली साइड ऐसे घूम घाम के कुछ तो यहां आ जाएगी मिरर, ऐसा कुछ तो दिखेगा। तो अब ये बताओ रिफ्लेक्टेड, सॉरी इंसिडेंट रे कहां गिर रही है? पीछे की साइड गिर रही है कि रिफ्लेक्ट? पॉलिश्ड वापस से पॉलिश सर, मतलब पेंटेड वाली साइड पे गिर रही है। तो क्या वो रिफ्लेक्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो ये बताओ कि अगर मुझे रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकली अप या फिर वर्टिकली डाउन करना है तो कौन सा केस काम कर जाता है? मिरर को सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले केसेस काम कर रहे हैं यहाँ पर कि मिरर को क्लॉकवाइज घुमाने वाले केसेस काम कर रहे हैं यहाँ पर? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मिरर को सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले केसेस यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमाने वाले केसेस काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उन केसेस में इंसिडेंट रे मिरर के पीछे वाली साइड पर गिरने लग जाती है। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो केस नंबर टू, रोटेट मिरर क्लॉकवाइज। अब यहां पर क्या है, मैथमेटिकली विल गेट 75 डिग्रीज एंड 165 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द मिरर, बट फिजिकली वो पॉसिबल नहीं होगा क्लॉकवाइज रोटेशंस ऑफ मिरर, बट फिजिकली इट वुड नॉट लीड टू एनी रिफ्लेक्शन ओनली। जस्ट एक मिनट रुक जाओ। तो ये वाला केस गलत है, ये वाला केस पूरा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दीज टू आर दी आंसर। बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ था कि सर 105 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज और 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों आर दी एंगल्स बाय विच द मिरर नीड्स टू बी रोटेटेड। हाँ भाई बोलो सर। इफ यू यूज नोटेशन लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, will be be able to get the answer, then we'll be able to say whether yes why possible or not। देखो तुम इसको प्लस माइनस लिखना चाह रहे हो तो चलेगा, बट उससे कुछ फायदा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग। आई डोंट थिंक कुछ फायदा होगा सर। लाइक एंटी क्लॉकवाइज मींस दिस प्लस, क्लॉकवाइज मींस माइनस, लाइक दैट इफ वी डू विल बी गेट द आंसर। बिकॉज़ द एंगल शुड नॉट बी नेगेटिव, द फाइनल आंसर लाइक दैट वी कैन टेल। सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हिच डायरेक्शन आर यू कॉलिंग पॉजिटिव। इफ यू कॉल क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, अगर तुमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोल दिया तो बोथ दी एंगल्स आर नेगेटिव। ओके सो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तुम्हें सारी चीजें फिजिकली बना के सोचनी पड़ेंगी आपको। ओके सर, सो हियर मैथमेटिक्स वोंट बी हेल्पफुल, वी शुड थिंक। एग्जैक्टली, मैथमेटिकली जाए तो ये भी पॉसिबल हो जाना चाहिए, बट फिजिकली देखें तो यार उस केस में रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पा रही। ओके सर। सर अगर मतलब ऐसा है क्या कि अगर क्लॉकवाइज में 60 से ज्यादा एंगल घुमा रहे तो नहीं मिलेगा रिफ्लेक्शन? क्लॉकवाइज में 60 डिग्री से ज्यादा, यस 60 डिग्री से ज्यादा और 300 डिग्री से, क्योंकि देखो नहीं ले ले
हाँ देखो, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज में 60 डिग्री से ज्यादा घुमा देता हूं तो यहां पर आ जाएगा, बट अगर मान लो मैं इसको पूरा यहां से घुमाते 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 यहां पर ले आऊं, ऐसा कुछ कर दूं, मतलब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 300 डिग्रीज हो जाएगा, तो व्हाट वुड हैपन इज ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा, अब इसके बाद ऐसा दिखने लग जाएगा तुम्हारा मिरर। तो अगर इसको घुमाना है तो या तो 60 डिग्री से कम घुमाओ या फिर 300 डिग्री से ज्यादा घुमा दो। 60 आई थिंक 240 से ज्यादा है ना, 240 आता, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा हाँ यार, सॉरी, यहां पर ये जो एंगल आएगा तुम्हारा ये कितना आ जाएगा 180 प्लस 60, 240, माय बैड 240, सॉरी। तो यहां पर क्या आएगा, इस मिरर को अगर तुम 60 से ज्यादा और 240 से कम बीच में कोई भी रोटेशन देते हो तो क्या होगा, यहां पर तुम्हारा पीछे के साइड पे तुम्हारी लाइट इंसिडेंट होगी 60 से 240 के क्लॉकवाइज रोटेशन के करस्पॉन्डिंग, रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाएगा। अगर मैं मिरर को 60 डिग्रीज से 240 डिग्रीज के बीच में कुछ भी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो रिफ्लेक्शन ही नहीं देखने को मिलेगी, या तो 60 से कम घुमाओ या फिर 240 से ज्यादा घुमाओ, उन दोनों केसेस में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। अब ये दोनों एंगल्स इसी रेंज में है तो यहाँ पर मुझे कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, अग्री करते हो? Yes, sir. तो यहाँ पर एक तरह से टू बी ऑनेस्ट ऐसा बना सकते हो, ग्लांसिंग एंगल और ग्लांसिंग एंगल प्लस 180 जी एंड 180 प्लस जी, ये वाला जो रेंज है इस रेंज में मत घुमाना इसको, मिरर को इस तरफ इस रेंज में मत घुमाना, अदरवाइज तुम्हें रिफ्लेक्शन ही नहीं देखने को मिलेगा। फॉलोड जो लास्ट लाइन उसमें वुड नॉट लीड टू एनी रिफ्लेक्शन आना चाहिए। ओ हाँ यार सॉरी, वुड नॉट होना चाहिए था सर, ये सिर्फ इसी सम के लिए था कि सब सम के लिए, मतलब सब सम के जाएगा, वो जो मैं बता रहा था ना G to 180 plus G वाला। ओके सर, पर वो G to 180 plus G वो तो सिर्फ क्लॉकवाइज के लिए है ना कि एंटी क्लॉकवाइज? नहीं नहीं, वो क्लॉकवाइज के लिए था, वो क्लॉकवाइज के लिए था। और सर एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसा कुछ है क्या रेंज? एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा कि भाई ये वाला जो एंगल है इस एंगल से ज्यादा मत घुमाना, और दूसरा क्या आएगा तुम्हारे पास, जस्ट एक मिनट रुको, इसको जस्ट एक मिनट, यहाँ पर पीछे घुमा रहे हैं तो उसको नेगेटिव बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसको ऐसे घुमाएंगे, एक ही केस है, इस तरफ घुमा दें तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 60 डिग्री। तो उस केस में आएगा तुम्हारा 180 डिग्रीज माइनस ग्लांसिंग एंगल, इससे ज्यादा मत घुमाना, और किससे कम घुमाना है 360 डिग्रीज माइनस ग्लांसिंग एंगल, ये आ जाएगा तुम्हारा। ये सब केसेस याद रखने से हम लोग हर बार चेक कर लेंगे ना, इससे बढ़िया हर बार चेक कर लो, बड़ी मेहनत का काम है ये फॉर्मूलेज रटना, इससे बढ़िया तुम लोग हर बार चेक कर लो, दैट्स मच सिंपलर देन दिस। ठीक है सर, 75 एंड 165 कैसे मिला? हाँ देखो, ये जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पर 30 डिग्रीज एंगल बना रही है, अगर इसको मुझे घुमा करके क्लॉकवाइज घुमा करके नीचे पॉइंट करवाना है तो इसका रोटेशन कितना हो जाएगा 150 डिग्री का, तो अगर मुझे रिफ्लेक्टेड रे को 150 से घुमाना है तो मिरर को इससे हाफ एंगल से घुमाना होगा, तो मिरर को 75 डिग्री से घुमा देना, मैथमेटिकली आ जाता है, हमने मैथमेटिकली क्या देखा है, मिरर को थीटा से घुमाओ तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाती है, तो मिरर को 75 से घुमाओ रिफ्लेक्टेड रे ट्वाइस ऑफ 75 मतलब 150 से घूम जाएगी, तो मिरर को इस तरफ 75 डिग्री से घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ 150 डिग्री से घूम जाएगी, ये हमारे पास रिजल्ट आता है मैथमेटिकली, सही बात है, बट वो फिजिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पर, दैट्स द प्रॉब्लम। एंड सो 165 165 का भी सेम फंडा है कि हमारे पास ये रही रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, अगर मान लो मैं इसको पूरा घुमा करके वर्टिकली ऊपर करवाना चाहता हूँ तो ये एंगल 330 आएगा, 330 360 माइनस 30 बेसिकली, पूरा 360 उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो 330 आ गया, अगर मुझे रिफ्लेक्टेड रे को 330 से घुमाना है तो मिरर को इसके आधे एंगल से टर्न करना पड़ता है 165 से, तो अगर मैं मिरर को 165 से टर्न करता हूँ क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे ट्वाइस ऑफ दिस एंगल से क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगी और यहाँ पर ऊपर आएगी, मैथमेटिकली आ रहा है बट फिजिकली ये पॉसिबल ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझा, थैंक यू। ओके सर, आप ये 210 डिग्री वाला केस बताओगे? हाँ श्योर, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे
इसको इस तरफ घुमाना है मान लो, तो या तो तुम इसको घुमा के वर्टिकली अप बना सकते हो या फिर इस तरफ घुमा के वर्टिकली डाउन बना सकते हो, सही बात है? Yes. पर्पल वाला एंगल जो है वो निकाल के बताओ मुझे, पर्पल वाला एंगल ब्लू वाला एंगल इस द एडिशन 400 इतना आता है सर 210 तो अगर इसको 200 से घुमाना है तो मिरर को इसके आधे एंगल से घुमाना पड़ता है ना यस वो कितना हो जाता है 105 हो जाता है सही है यस सर ओके ठीक है आई होप ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया सब लोगों को अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये और एक और आगे क्वेश्चन है ये सभी काम करना तुम एज अ होमवर्क ट्राई कर लेना दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ ये एक 2-स्टार क्वेश्चन है और इससे अगले वाला है इसका भी पापा है वो 3-स्टार क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा सवाल है एज अ होमवर्क ट्राई करना अभी मैं क्या करता हूँ पहले तुम लोगों को जो मैंने होमवर्क दे रखा है वो डिस्कशन उसका डिस्कशन चालू कर देता हूँ लेट्स डिस्कस दैट होमवर्क फर्स्ट चलेगा हेलो यस ओके तो मैं होमवर्क वाली पीडीएफ ओपन करता हूँ अब यार तुम में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस के नंबर भेजे हुए थे वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ से मिट गए बिकॉज मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ठीक है तो फिर से एक काम करेंगे आई विल गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और तुम लोग बता देना कहाँ कहाँ दिक्कत है मैं हर पेज पे जाऊंगा इस पेज पे जो सवाल था ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले Yes, ये वाला करना है क्या किसी को अगर करना हो तो यस बोल देना नहीं करना हो तो नो बोलने की जरूरत नहीं है जस्ट यस जिनको करवाना सर, एक बात बताऊं ना, प्लेन में हर वक्त जेड परपेंडिकुलर रहेगा और वाई जेड प्लेन में एक्स ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसा रहता है बिल्कुल बिल्कुल सर आप भी कर सकते हो श्योर आई विल डू दिस वन मैं ये वाला कर देता हूँ देखो सबसे पहले मैं एक्स वाई जेड प्लेन मतलब ये जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये बना देता हूं ये रहा एक्स और ये रहा वाई चलिए काम करो एक्स वाई को इधर पे ले लो अदरवाइज मुझे जेड नीचे बनाना पड़ जाता जेड ऊपर आ जाएगा दिस इज एक्स दिस इज वाई दिस इज जेड ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है ये दोनों भी परपेंडिकुलर है दीवार का एक कॉर्नर देखो तुम्हारे घर में जो रूम है रूम का कॉर्नर देखो ये वाली एज ये वाली एज ये वाली एज तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है अब देखो यहां पे देखो क्या होगा अगर पार्टिकल के पास अच्छा मिरर कहां पर है भाई मिरर इस जगह पर है इस जगह पर मिरर है पार्टिकल मान लो यहां कहीं अब इस मिरर में उसकी इमेज देखोगे तो कहां बनेगी पीछे यहां नीचे कहीं मिल जाएगी इधर पे जो भी वेलोसिटी होगी इधर पे जो भी वेलोसिटी होगी वाई के अलोंग दैट इज पैरेलल टू द मिरर एक्स के अलोंग जो भी वेलोसिटी होगी दैट इज आल्सो पैरेलल टू द मिरर जेड के अलोंग जो वेलोसिटी होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई मिरर है इसके पैरेलल जो भी वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की इमेज के पास भी सेम वेलोसिटी आ जाती है परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में रिवर्स हो जाती है इसकी अगर v परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इसकी माइनस v परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाती है मैग्नीट्यूड सेम रहता है डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है तो यहां पर ये जो मिरर है ये एक्स वाई प्लेन में है तो x और y में जो भी वेलोसिटीज होंगी उनका जो एडिशन है वो x और y वाली जो नेट वेलोसिटी दैट इज पैरेलल टू द मिरर तो इमेज के पास सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी फॉर x y z वाली जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द मिरर है उसकी वेलोसिटी यहां पर रिवर्स हो जाती है फॉर द इमेज
कि भाई ऑब्जेक्ट के पास जो भी जेड वाली वेलोसिटी है उसका एग्जैक्ट नेगेटिव वेलोसिटी होगी इसके पास, इमेज के पास। समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ, तो ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में नहीं है ना? नहीं, ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन से ऊपर कहीं पर है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स वाई प्लेन से ऊपर कहीं पर है और वो मूव कर रहा है, इट इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ कहीं है। एंड उसके पास दो तरह की वेलोसिटीज हैं, तीन तरह के इंपैक्ट, एक वी वाई, एक वी एक्स और एक वी जेड। ठीक है, एक्चुअली वी वाई पीछे की तरफ है, वी एक्स आगे की तरफ है, वी जेड ऊपर की तरफ है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो जो इमेज है, इमेज यहां पर नीचे बनेगी एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे, जितना इसका इसका जो जेड कोऑर्डिनेट है उतना ही नेगेटिव जेड कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारी इमेज का। अब इसके पास यहां पर टू आई कैप, माइनस थ्री जे कैप और फोर के कैप, ये वेलोसिटीज हैं। इमेज के पास क्या होगा, बस ये वाली पलट दो, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, तो ये नीचे फोर माइनस फोर के कैप हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा कि भाई ये आगे टू आई कैप ही रहेगा, इधर पे माइनस थ्री जे कैप ही रहेगा फॉर द इमेज। सो वेलोसिटी ऑफ द इमेज कौन सी वाली डायरेक्शन में चेंज होती है, सिर्फ और सिर्फ मिरर के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में, मिरर के पैरेलल मतलब एक्स और वाई वाली जो वेलोसिटीज हैं दे रिमेन्स एज इट इज फॉर द इमेज एज वेल। ऑब्जेक्ट के पास मिरर के पैरेलल जो वेलोसिटीज हैं, इमेज के पास भी मिरर के पैरेलल सेम वेलोसिटी होगी, तो ऑब्जेक्ट की मिरर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है, इमेज के पास परपेंडिकुलर वाली उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट एग्जैक्ट नेगेटिव वेलोसिटी होती है। यहां पर वेलोसिटी ऑफ द इमेज कम्स आउट टू बी 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, सिर्फ k कैप वाली चीज बदल गई। यहां पर मैं लिख देता हूं ओनली द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मिरर गॉट रिवर्स्ड, बाकी सब चीजें एग्जैक्टली सेम रही। पैरेलल चलने लग जाऊं तो क्या मैं वॉल नंबर वन के पैरेलल चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ? अगर मैं इस दीवार पे ऐसे ऊपर चलने लग जाऊं वाई एक्सिस के पैरेलल, तो क्या मैं अभी भी इस दीवार के पैरेलल चल रहा हूँ? जल्दी बताओ। हाँ सर। तो अगर मैं यहाँ आगे चलने लग जाऊं तो मैं इस दीवार के पैरेलल चल रहा हूँ। मैं ऊपर हवा में उड़ने लग जाऊं इस डायरेक्शन में तो भी मैं इस वॉल नंबर वन के पैरेलल चल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ओके सर, सामने चलोगे तो परपेंडिकुलर, इस तरफ चलूंगा तो मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हूँ। एग्जैक्टली, थैंक यू। ओके and sir, if mirror ke paas bhi k cap mein velocity hai, then what are we supposed to do? Like resolve them in vectors? नहीं, mirror ke paas yahan par nahi hai वैसे तो, but नहीं sir hogi to. हाँ, उस केस में वही करना पड़ेगा। yes, उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम बोलो कि यार mirror ke paas अगर x and y में कुछ velocities हैं, they would not affect the image velocity, but इस तरफ की कोई velocity है तो वो affect करेगी बिल्कुल। यहाँ पर mirror की खुद के perpendicular जो भी velocity है वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी, और इस ऑब्जेक्ट की मिरर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी वो और ये, इन दोनों को इस्तेमाल करके कहीं से तुम्हें इमेज की मिरर के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी निकालनी पड़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पर ये अगला सवाल ये वाला है, इसमें किसी को दिक्कत है? अगर है तो यस बोल दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। क्या इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? यस सर, आप करोगे? हाँ श्योर।
ओके देखो यहां पे सबसे पहली बात ये बताओ, क्या ये वाली डायरेक्शन मिरर के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, कि गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। तो यहां पर अभी क्या करना पड़ेगा देखते हैं। सबसे पहले तो इमेज बनाओ। इमेज कहां बनेगी? यहां पोजीशन नंबर ए पे कि यहां पोजीशन नंबर बी पे? कहां बनेगी इमेज, क्या लगता है? बी पे बनेगी इमेज, बिकॉज ऑब्जेक्ट से मिरर तक एक परपेंडिकुलर बनाना होता है, उसको एक्सटेंड करना होता है, उस पे तुम्हारी इमेज लाई करती है। तो पहली चीज तो ये समझ लो। तो यहां पर तुम देखो कि इमेज कहां बनेगी सबसे पहले, दैट शुड बी योर स्टेप। ये रही इमेज। अब देखो एक ट्रिक बता दो मैं, ऑब्जेक्ट मिरर पे जिस पॉइंट पे जाके टकराना चाह रहा है, इमेज भी उसी पॉइंट पे जाकर टकराना चाह रही है। तो दो ट्राइंगल्स बना दो सबसे पहले, यहां पे ड्रॉ टू ट्राइंगल्स। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ये इमेज की वेलोसिटी है, दोनों मिरर पे सेम जगह पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। ऑब्जेक्ट जहां टकराएगा मिरर से, इमेज भी वहीं टकराएगी मिरर से, ऑफकोर्स, कहीं और क्यों टकराएगी? इस चीज पे सहमत है सब लोग? ऐसा तो नहीं हो जाएगा ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां पहुंच जाएगी, ऐसा होगा क्या कि भाई अगर ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया तो इमेज भी यहीं पहुंच जाएगी, ऐसा होगा ना? डू यू गाइस अग्री? यस सर। तो यहां पर सिंपली सबसे पहले तो एक ट्राइंगल कंप्लीट कर दो कि भाई इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, ये यहां पर मीट करना चाह रहा है मिरर के साथ, तो इमेज भी वहीं पर मीट करना चाहेगी मिरर के साथ। ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट दिस मींस इज कि भाई अगर हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ है तो हमारी इमेज की वेलोसिटी इस तरफ आएगी, इमेज की वेलोसिटी इस तरफ आएगी, ये हमें समझ में आ रहा है। और देखो प्लेन मिरर्स में क्या होता है, हमने देखा हुआ पहले, ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा है, I'm not talking about velocity, ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा है इमेज भी उसी स्पीड से चलेगी। तो ये एंगल, सॉरी ये 10 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो प्लेन मिरर के केस में इमेज भी उसी स्पीड से चलती है। दिस एंगल somehow comes out to be 30 degrees, तो ये वाला एंगल भी 30 degrees आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? I'll tell you about that. ये अगर 30 degrees आ गया, तो ये भी 30 degrees आ जाएगा, कि हम sure है। Now how does this come out to be 30 degrees? इस पे मैं बात करूंगा, but till now क्या doubts हैं वो बताओ। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? ट्रिक यही है ना कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उससे इमेज आता है और फिर ट्रायंगल्स बनाना है। एग्जैक्टली, ट्रायंगल कैसे बनाना है? ऑब्जेक्ट जहां जाके टकराएगा मिरर से, इमेज भी वहीं पर जाकर टकराएगी, तो इससे मालूम पड़ जाएगा दोनों कहां जा रहे हैं। इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, यू वुड ऑल्सो गेट टू नो द डायरेक्शन ऑफ इमेज वेलोसिटी। फिर तुम्हें नेक्स्ट क्या बोलना है कि प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जितना तेज भागता है इमेज भी उतना ही तेज भागती है, दोनों की स्पीड बराबर होगी। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बोला, ये एंगल समाउ 30 आएगा, तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, बिकॉज बोथ ट्राइंगल्स आर सेम, सिमिलर हैं। अब इसको 30 प्रूव करता हूं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। देखो सबसे पहले मैं एक ऐसा एक ये लाइन बनाता हूं, दिस इज पैरेलल टू द मिरर, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज, ये वाला एंगल 30 डिग्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 30 डिग्रीज मैं बताता हूं। यहां अगर मैं एक लाइन बनाऊ, ये एंगल 30 हो जाएगा, 30, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकदम सेम है, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, सही है क्या? नहीं, ये वाला एंगल 30 वापस बताओ ना, वही प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बताओ इज दिस एंगल 30, ये वाला एंगल 30 डिग्रीज है क्या? हाँ सर। एक काम करता हूं, इस पूरी चीज को पकड़ के, इस पूरी चीज को पकड़ के यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये ऐसा कुछ तो दिखेगा, ये एंगल 30 डिग्रीज एज इट इज यहां पर आ गया, सही है? अब देख ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये प्लेन के पैरेलल लाइन है, प्लेन के पैरेलल लाइन है, तो ये भी प्लेन के पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल 30 डिग्रीज है कि नहीं है बताओ? यहां पर ये वाला नहीं? हां सर। ये वाली जो ब्लू लाइन है, ये वाली लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर टू द मिरर,
this line, red one, this is parallel to the mirror. So this angle is going to be 90 degrees. This is going to be 60 degrees. This would come out to be 30 degrees. Check karo. Ye 30 laya main. Isko 60 proof kiya. Fir isko 30 proof kar diya. ये मेरे पास प्लेन मिरर है, दिस इज द मिरर, मिरर के पैरेलल एक और लाइन बनाई मैंने, मिरर के पैरेलल एक और लाइन बनाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा, हम एक वर्टिकल लाइन बना दूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताना, 60 डिग्री, तो वर्टिकल लाइन ये वाली और मिरर के पैरेलल एक लाइन, इन दोनों के बीच में 60 डिग्रीज का एंगल है, वर्टिकल और मिरर के पैरेलल इन दोनों लाइंस के अंदर, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 60 डिग्रीज है, ये चीज क्लियर है क्या? हां सर, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज बिकॉज़ ये क्या लाइंस, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द मिरर, दिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर, दे हैव टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ कोर्स, सो ये एंगल कितना आ जाएगा बताओ, अरे 30 डिग्री आ जाएगा, सही है ना, सो अब देखो यहां पर ये एंगल 30 आ गया तो ये वाला एंगल भी 30 आ जाएगा, अब देखो वर्टिकल लाइन बनाता हूं एक, लेट मी ड्रॉ वर्टिकल लाइन, अब देखो क्या ये एंगल 90 डिग्रीज है, बिल्कुल है, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, ये एंगल कितना आएगा, ये 60 डिग्री आएगा, क्यों आएगा 60 डिग्री मैं बताता हूं, इस बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो, ये 30 है ये 90 है, तो इधर वाला ये एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्रीज आ जाना चाहिए, नाउ दिस इज 60 दिस इज 90 तो ये 30 डिग्रीज आ जाएगा, तो यहां पर मेरे पास ये वाला एंगल 30 डिग्रीज आ जाता है, अग्री करते हो, तो अब मेरे पास क्या आएगा, इमेज जो है वो वर्टिकल के साथ 60 डिग्रीज बना रही है, मतलब उसके जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल के साथ ऑफ कोर्स 30 डिग्रीज बनाएगी, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से भाग रहा है, प्लेन मिरर के अंदर इमेज भी उतनी स्पीड से भागती है, इसको आई कैप बोला, इसको जे कैप बोला, तो इस तरफ का कंपोनेंट आई कैप में, इस तरफ का कंपोनेंट जे कैप में, सो ये वाला कंपोनेंट 10 cos 30 है, ये वाला कंपोनेंट 10 sin 30 है, तो इमेज की जो वेलोसिटी है दैट इज 10 cos 30 डिग्रीज आई कैप प्लस 10 sin 30 डिग्रीज जे कैप, ये आ जाती है मेरे पास, समझ में आ रहा है, yes, किसी को डाउट है इस सवाल में तो बताओ, एक बार समझने की कोशिश करो, मैं तब तक पानी लेके आता हूं, ओके, कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कुड यू एक्सप्लेन अगेन कि आपको राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री कैसे मिले, डिड यू मीन दिस वन और दिस वन, वन और टू, द सेकंड वन सर, सेकंड वन, देखो बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करो, बड़े ट्रायंगल में ग्रीन वाला एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री सर, दिस इज 90, ब्लू वाला एंगल, सॉरी ये पर्पल वाला एंगल कितना आ जाएगा, पर्पल वाला 30, सही है ना, यस सर अंडरस्टूड, थैंक यू, ओके, तो हम सिमिलैरिटी से वो दो छोटे ट्रायंगल्स में भी कर सकते थे ना, कौन से दोनों छोटे ट्रायंगल, ये और ये, हाँ कि लाइक उसमें 30 है तो उसमें भी होगा फिर, क्योंकि देखो इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो मैंने इसलिए वो वाला तरीका अपनाया नहीं, सिंपली देखा कि ये वाला एंगल मुझे मालूम है तो ये वाला एंगल निकल जाएगा इधर पे, फिर उसके बाद मैंने क्या देखा कि वर्टिकल से ये वाली डायरेक्शन 60 डिग्रीज एंगल बना रही है, तो वर्टिकल से इमेज की वेलोसिटी 60 डिग्रीज एंगल बना रही है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इससे लाइक इजियर वाला वुड बी आप ओ की लाइन को एक्सटेंड करो तो 60 आ जाएगा एंड देन वर्टिकली ऑपोजिट एंड देन 90 डिग्री तो वो 30,
एक मिनट यार, इसको मैं एक्सटेंड करूं? नहीं सर, सो दिस वर्टिकल वन, वर्टिकल को एक्सटेंड करूं उसके बाद? हां सर, सो वी नो द इट विल बी 60 एंड वर्टिकली ऑपोजिट 60 एंड देन सो 30. हाँ ठीक है, वैसे भी बोल सकते हो. गुड. यस, मैंने इसे सेम प्लेन में रिफ्लेक्ट किया और फिर उससे आई कैप एंड जे कैप फॉर्म निकाला तो मेरे को भी सेम ही आया. हाँ हाँ, कर सकते हो यार, कर सकते हो. देखो दूसरा तरीका क्या है, इसको यहाँ तोड़ो, इसको इधर पे बनाओ, इसकी इधर पे वेलोसिटी, इसकी इधर पे वेलोसिटी, फिर इन दोनों को आई कैप और जे कैप में ब्रेक कर दो एंड देन यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है सर. वो ट्रायंगल वाला 30, ये नीचे वाले ट्रायंगल का 30 कैसे आया यार? मैं काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब एक काम करना, रिकॉर्डिंग देखना है प्लीज. ओके, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट 2-3 टाइम्स, तो शायद तीसरी बार चौथी बार एक्सप्लेन करने से भी कुछ फायदा नहीं होगा. जस्ट एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ अभी, आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पर ये वाला करना है क्या किसी को? टू बी ऑनेस्ट, ये तो हम कर चुके हैं. दिस इज एग्जैक्टली, हाँ दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था. कौन सा वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये वाला. इसमें बस ऐसा है कि मिरर टू वर्टिकल है और ऑब्जेक्ट भी वर्टिकली जा रहा है, और यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें मिरर टू हॉरिजॉन्टल है और ऑब्जेक्ट भी हॉरिजॉन्टल जा रहा है, दैट्स द ओनली डिफरेंस. तो सेम आएगा आंसर, कुछ अलग नहीं है यहां पर. दिस डज नॉट नीड टू बी सॉल्व. ये जो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, इसके पहले तीन क्वेश्चन जो दे रखे मैंने, इनमें से पहला क्वेश्चन जो है उसको करना है क्या किसी को? ओके, दूसरा क्वेश्चन करना है क्या किसी को? यस सर, दूसरा करना है. तीसरा करना है क्या किसी को? तीसरा सबसे हो गया. थर्ड भी करना है, तो मैं सेकंड एंड थर्ड कर देता हूं जल्दी से. देखो यहां पर क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है M, which is placed at a distance of 3 meters from the mirror. मिरर का ये लोएस्ट पार्ट 2 meter ऊपर है जमीन से. फिर बोलते हैं एक आदमी है जो कि यहां से 4 meter खड़ा है, 4 meter दूर खड़ा है. कहां से? फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 4 meter पीछे खड़ा है. द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द पर्सन टू सी द इमेज, कि भाई आदमी की आंखें किस लेवल पे होनी चाहिए ताकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिख पाए. फील्ड ऑफ व्यू निकालना है और कुछ भी नहीं करना है, जल्दी से कर देता हूं मैं. हाँ सर, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये लोग को ऐसा लिखना नहीं चाहिए ना कि मिरर डिस्टेंस 3 meter फ्रॉम अ मिरर विद इट्स लोअर एंड एट 2 meter फ्रॉम ग्राउंड. इससे समझ नहीं आता कि मिरर 2 meter ऊपर है या फिर ऑब्जेक्ट है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना स्क्रीन को, दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट. दूसरी लाइन सर, हम लोग को एग्जैक्ट निकालना है अबव 4 meter ऐसे. रेंज निकालनी है अपने को, प्रॉपर रेंज. अब देखो, कॉल दिस पॉइंट ए, कॉल दिस अपर पॉइंट बी. वो क्वेश्चन के अंदर घुस गया. एक काम करता हूं, फिगर थोड़ा सा नीचे लेता हूं.
जस्ट एक मिनट यार, हाँ सर चलेगा चलेगा। ओके एनीवेज अब देखो अब यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट को बोलो पी, तो कौन कौन से ट्राइंगल्स को देखना चाहिए अपने को, इसको बोल दो कुछ तो क्यू बोल दो, इस पॉइंट को नाम दे दो सी, इस पॉइंट को नाम दे दो डी। तो मैं कुछ लिख देता हूं, ट्राइंगल एम डैश क्यू सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम डैश पी ए, कि भाई ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो इससे मालूम पड़ जाता है ये हाइट अगर 2 मीटर है तो ये वाली हाइट कितनी होगी। तो देखो ये 3 मीटर हो जाएगा, दिस वुड बी 3 मीटर, ऑब्जेक्ट जितना आगे इमेज उतना पीछे बनती है, ये 3 मीटर है और ये जो पूरा, ये पूरा का पूरा है 10, ये पूरा का पूरा 10। तो हमें दिख रहा है कि यार छोटे वाले की बेस इज टू बड़े वाले का बेस 3:10 की रेशो में, तो हाइट का भी सेम रेशो जाएगा, इसकी हाइट 2 है तो इसकी हाइट 2 × 3/10 हो जाएगी। सो इसकी जो हाइट है एपी, सो यहां से मुझे क्या पता चलेगा कि भाई एम डैश क्यू अपॉन एम डैश पी, ये जो रेशो है दिस कम्स आउट टू बी 3/10 इक्वल्स टू क्यू सी बाई पी ए, यहां से पी ए की लेंथ आ जाती है मेरे पास, सॉरी माई बैड 10/3 टाइम्स क्यू सी आ जाती है, 10/3 टाइम्स, पहले मैंने गलती से 3/10 बोल दिया था, तो यहां पर 10/3 × 2 हो जाएगा, तो ये 20/3 आ गए, 20/3 मीटर। सो कम से कम आदमी की आंखें यहां से ऊपर होनी चाहिए, इसके नीचे तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिख ही नहीं पाएगी। सो दिस इज द, बोलो क्या दिक्कत है सर, हम लोग को, आप लोगों को क्या, हम लोग को ना ये समझ नहीं आ रहा कि बाद में कौन सा ट्रायंगल लेने का। ट्रायंगल मैंने लिखा है ना यार, नाम लिख दिया ट्रायंगल का मैंने। हाँ पर सर आपने भी बताया ना, पर ऐसे हम लोग को नहीं समझ आता कि कौन सा ट्रायंगल यार, प्रैक्टिस है ये सब, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो और मैं जैसे जैसे सीखते जाओ, देर इज नो अदर वे यार, देखो देर इज नो अदर वे, बिकॉज क्या होता है ड्यूरिंग दिस जेई प्रेप तुम बहुत सारे मेथड सीखोगे, जितने ज्यादा मेथड सीखोगे उतना ज्यादा तुम फाइनली स्कोर कर पाओगे, और सारे मेथड्स यूनिक होते हैं, सारे मेथड्स यूनिक होते हैं, सारे के सारे सीखने पड़ेंगे, देर इज नो सिंगल फॉर्मूला टू टेल यू कि भाई कहाँ क्या इस्तेमाल होगा, ठीक है, कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं अनफॉर्चुनेटली। रियल लाइफ में भी वैसा ही होता है, रियल लाइफ में भी अपने को बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, एवरीथिंग रिक्वायर्स अ डिफरेंट सॉल्यूशन, वेदर इट इज मतलब आर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह पर यही होता है ना, तो उस चीज की प्रैक्टिस करें हम एक तरह से कि भाई कैसे कैसे हम अलग अलग डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को टू सॉल्व इट। ओके एनीवेज देखो, टू गेट एच मैक्स आई नीड टू फाइंड दिस हाइट, टू गेट एच मैक्स आई नीड टू फाइंड दिस हाइट, तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, सो टू गेट एच मैक्स मैं क्या बोलूंगा, ट्राइंगल एम डैश डी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम डैश बी पी। नाम देखो, अब इनके बेसिस का रेशो जो है, बेस का रेशो 3:10 है, छोटे वाले का बेस अपॉन बड़े वाले का बेस 3:10 आ जाएगा, सो एम डैश क्यू छोटे वाले का बेस अपॉन एम डैश पी बड़े वाले का बेस, ये रेशो 3/10 है, तो इनकी हाइट्स का भी सेम रेशो होना चाहिए, छोटे वाले की हाइट है 4 अपॉन बड़े वाले की जो हाइट है जिसको हम एच मैक्स बोल सकते हैं, तो यहां से मेरे पास एच मैक्स की वैल्यू क्या जाती है 40/3, एच मैक्स कम्स आउट टू बी 40/3। क्या सबको समझ में आया, तो कम से आदमी की आंखें यहां पर होनी चाहिए, मैक्सिमम यहां तक हो सकती है, इसके बीच में कहीं पर आंखें होंगी इस इंसान की तो उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, इसके ऊपर उसकी आंखें होंगी तो ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाएगा, इसके नीचे अगर एक के नीचे अगर आंखें होंगी तो ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाएगा। द आईज ऑफ द पर्सन शुड बी बिटवीन ए एंड बी फॉर हिम टू बी एबल टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एम। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ? ओके मतलब मोस्टली सब में एंगल का होगा ना रिलेशन, सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए यार यहाँ पर तुम्हें ज्योमेट्री वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बिल्कुल, या तो tan theta मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल tan theta से भी कर सकते हो, tan theta
equals to this upon this, and it is also equals to this upon this. वैसे भी बोल सकते थे, that's also fine. हाँ मतलब वही है. Same चीज है. It's not different. चलो ठीक है यार, मेहनत करते रहो. और यार तुम लोगों से कभी अलग से बातें नहीं करी है मैंने कि कितनी मेहनत करनी चाहिए. थोड़ा बस पढ़ाई का बताया कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए. तो यार एक चीज समझ लो, 11th क्लास को जो बंदा सीरियसली लेता है वही क्लियर कर पाएगा जेई को. जो 11th क्लास बर्बाद कर देगा वो दोनों साल बर्बाद कर देगा, ये चीज समझ लो. ठीक है, कभी अपनी स्टोरी भी बताऊंगा मैं तुम लोगों को, देन यू विल बी एबल टू रिलेट कि सर सच बोल रहे हैं शायद. ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को देखा यार 11th में कुछ ज्यादा ही मस्ती करते हैं क्लास में, बाकी लोगों को तंग करते हैं, टीचर को भी तंग करते हैं, और फिर 12th जब खत्म हो रही होती है तब रोते रोते आते हैं टीचर के पास. सच में आंसू होते हैं उनकी आंखों में, सच में. एंड देन दे आर क्राइंग फॉर हेल्प, सर वी आर स्क्रूड, वी आर रियली स्क्रूड, व्हाट टू डू. हमने अपने माँ बाप के पैसे डुबो दिए हैं, हमने बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी खुद से, हम 90% मार्क्स लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने सोचा बाद में करेंगे बाद में करेंगे. अब तो 12th खत्म होने वाली है, अब हम क्या करें सर, एक महीना बाकी है बोर्ड्स के लिए, यहाँ पर हम प्री बोर्ड में फेल हो रहे हैं, व्हाट शुड वी डू. फिर यार अनफॉर्चुनेटली टीचर भी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता है, फिर टीचर सिर्फ इतना बता सकता है जिससे वो बच्चा पास हो सके जेई में, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने लायक कुछ नहीं बता सकता अनफॉर्चुनेटली. देन द टीचर ऑल्सो हैज टू गिव अप ऑन सच स्टूडेंट्स. तुम लोग अभी नए हो, 11th में हो, ये चीज मैं पहले से ही बता रहा हूँ, डू नॉट लेट 11th क्लास गो टू वेस्ट. क्लास में सिंसियर रहना है सबको, होमवर्क सिंसियरली करना है. जो अभी हीरो बनने की कोशिश करेगा वो बाद में मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर बेचेगा, ये चीज समझ लो. ठीक है, चलो एनीवेज दैट्स इट यार, अगली क्लास में मिलते हैं. सर जो आपने रिक्वेस्ट किया था वो क्या हुआ? थैंक यू सर. जो आपने रिक्वेस्ट किया था कुछ, हाँ रिमाइंडर ना, वो एक बाकी का होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. नहीं नहीं नहीं, जो वो जो टाइम अलॉटमेंट वाला. अच्छा, वो नेक्स्ट लेक्चर में के लिए बोला है? नहीं मतलब सर ने भेजा था हम लोग के सामने. हाँ वो. हेलो सर. सर हेलो सर हेलो 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 सर. सर यस सर. तो यार मैं वही कह रहा था कि टीचर्स को रिक्वेस्ट कर देना यार, जो भी जिसकी भी शाम को क्लास होगी, सर नया मत पढ़ाओ हम. सर वो वो जो आप आपका लिंक भेजने वाले थे वो भेज दो ना. काम है आपका. भेजा था यार, नहीं भेजा था मैं. वाला भेजा था आपने? भेजा एक बार सर्च कर लो ग्रुप पे, काम लिखना सर्च वाले उसमें ऑप्शन में आ जाएगा अपने आप. ठीक है. अच्छा बाय द वे नेक्स्ट वीक मेरी एक भी क्लास नहीं होगी बिकॉज़ आई एम ऑन लीव, तो मेरी जगह शायद कोई और टीचर तुम्हारे डाउट्स या फिर थ्योरी लेगा. तो आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, मतलब 6 दिसंबर से जो शुरू हो रहा है उस वीक में मैं वापस आ जाऊंगा. ठीक है, चलो ठीक है यार, आई विल सी यू गाइस लेटर. सर एक क्वेश्चन था, आप कौन सी बैच में सिखाओगे अगर ऑफलाइन चालू हुआ तो? यार आई विल बी इन पुणे. पुणे? हां ओके. तो पुणे के सारे सेंटर्स पे मैं पढ़ाता हूं. पुणे आ जाना तुम लोग, कोई बात नहीं भाई. बोरीवली दादर से पुणे बोले ना. पुणे बोरीवली बोरीवली नहीं यार भाई, कितना दूर है भाई. पुणे से बोरीवली नहीं आ पाऊंगा भाई, सॉरी. ऑफलाइन में ऑनलाइन की क्लासेस अगर लेट्स से कंटिन्यू रही तो ऑब्वियसली हर जगह बैचेस कनेक्टेड रहेंगे. सर पुणे में भी मतलब ऐसे ही है, मुंबई में जैसे बोरीवली अंधेरी वैसे उधर भी कुछ है ज्यादा. हाँ पुणे इज मच स्मॉलर देन मुंबई यार. पुणे इज मच स्मॉलर. तो पुणे में अपने बस 4 ही सेंटर्स हैं. तो खैर मतलब द डिस्टेंस बिटवीन देम इज क्वाइट लार्ज बट नॉट लाइक मुंबई. मुंबई में क्या है कि मान लो थाने का सेंटर है वर्सेस लेट्स से दादर का सेंटर है या फिर अंधेरी का सेंटर, उनमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है. प्रॉब्ली कितना 40 किलोमीटर हो जाएगा आई गेस, आई डोंट नो. यहां पर आपको आइडिया है कब खुलेगा? अभी खुलेगा क्या जल्दी? पुणे में हो गया होगा उनके यहां पे.
पुणे में अभी नहीं हुआ यार, नॉट येट सर. दादर बाज का ऐसा डिस्कशन चालू है कि कुछ तो मुंबई में दिसंबर 1 के बाद कुछ तो होगा. वो वर्षा गायकवाड़ करके है ना, वो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर, पिछले साल भी यही बोला था. अरे नहीं, पिछले साल कोचिंग का नहीं, कोचिंग नहीं होगा ना, पर एटलीस्ट कॉलेज तो हो जाएगा. देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में तुम लोगों की थोड़ी बहुत क्लासेस, बाय द एंड ऑफ दिसंबर थोड़ी बहुत क्लासेस ऑफलाइन लगनी शुरू हो जानी चाहिए, मेरे को ऐसा फील आ रही है. बाकी आई एम नॉट श्योर ऑफ कोर्स, मैनेजमेंट ने अभी कुछ कोचिंग की क्लास, कॉलेज की कोचिंग की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, कोचिंग का तो नहीं लग रहा जान से पहले सर. कोचिंग का सिर्फ एग्जाम लेंगे मे बी, आई डोंट नो. I don't know. ऑफलाइन ले लेंगे. वो सिर्फ 9, 10th और 12th को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनके वोट्स है ना इस साल इसके लिए. तो 11th को भर बेटा, स्कूल्स की बात कर रहे हो ना, कॉलेज का सर ने दोनों का कोचिंग नहीं होगा मेरे हिसाब से. थोड़ा बहुत शुरू हो जाना चाहिए जान, मतलब दिसंबर एंड में अपना भी ऑफलाइन, बट स्टिल अगेन आई एम नॉट श्योर. तो मैनेजमेंट जैसे ही कुछ कॉन्क्रीट बताएगी मैं तुम लोगों को कन्वे कर दूंगा. सर रे ऑप्टिक्स कब खत्म होगा यार? रे ऑप्टिक्स लंबा चलेगा भाई, अभी तो एक्चुअली आप तो कंप्लीट करके जाइए वो. हां हां अरे मैं कंप्लीट करूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट. ठीक है, अपना प्लेन मिरर चल रहा है अभी, और इसके बाद कर्व्ड मिरर्स, फिर लेंसेज आएगा, तो थोड़ा लंबा चैप्टर है. सर जेटीएम ओके सर, आज पुणे सेंटर में सिखाते हैं ना? जेटीएम सर भी पुणे के हैं. अच्छा मैंने लगा था जेटीएम सर दादर के हैं. नहीं नहीं, अच्छा मैं निकलता हूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास अभी 12 बजे और मेरे को थोड़ा बहुत खाना पीना भी है. तो चलो अपन मिलते हैं यार, एक हफ्ता तुम्हारी मेरी क्लासेस नहीं होंगी, उसके बाद मिलते हैं अपन अराउंड 10 डेज के बाद. आज 26 है तो शायद हम 6 तारीख को मिलेंगे जब सीधा. सी यू गाइस, चलो बाय. थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, चलो बाय.